अरे यार राइट नहीं लेफ्ट लो ना। जैसे मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाना है। अरे वाह बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, स्मार्ट आदमी हो। आगे तो बताइए कहाँ जाना है, लेफ्ट लूं या फिर राइट में जाऊं? मेरे भाई ना राइट में ना लेफ्ट में, अपन को तो सीधे जाना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें शहर में नए हो क्या? जी हाँ बिल्कुल नया हूँ, क्यों प्रॉब्लम है आपको? अरे नहीं नहीं यार मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, बस यहीं पर यहीं साइड में रोक दो। ऑटो खरीदने से पहले उसे चलाना तो सीख लेते यार। ऑटो चलाना ही बहुत होता है क्या, अरे रास्ता भी तो जानना चाहिए ना। वैसे तुम पर ऑटो नहीं ऑल्टो कार सूट करेगी। मैं तो यही चाहता था भाई, पर ऊपर वाले ने लंगड़ी मार दी। क्या हाल है नंदू, एड्रेस आराम से मिल गया ना? आजा एमडी से मिलाता हूँ। सर मैं आज से ही ज्वाइन करना चाहूंगा। ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट मिस्टर नंदगोपाल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम। मैं तुम्हें कंज्यूमर, ये हमारा कैंटीन है, समझ पर ले आऊंगी तुम्हें। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? माफ कर दे मेरी बहन, आज मेरा टाइम ही खराब है। ये समोसा थोड़ा छोटा क्यों हो गया, उसके लिए तुम कोर्ट जाओगी क्या? ये लड़की कौन है? इसका नाम है पद्दू, कंजूस एसोसिएशन की लीडर है। समोसे के नाम पर धोखा देते हो तो आम जनता इस दुनिया में कैसे रहेगी बताओ? आज तुमने समोसा बनाया है वो भी 2 इंच छोटा। रोज कितने समोसे बनाते हो तुम? 500। मतलब 500 × 2 = 1000 inches। मतलब इसमें कितना मैदा बचाया होगा, कितना आलू बचाया होगा और कितना तेल बचाया होगा। इतना मुझे बचता है क्या? तुम 5-star होटल खोलोगे क्या? 5-star होटल तो दूर की बात है, इतने में 5-star चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते, महंगाई कितनी बढ़ गई है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में शोषण कहते हैं। रुको रुको, आज समोसे का जो बिल हुआ है वो मैं पे करूंगा। हैं? अननेसेसरी चैरिटी, तुम्हारा ये भी कोई नहीं लेने वाला समझे? अरे चैरिटी नहीं, जॉब लगने की खुशी में सबको ट्रीट देना चाहता हूँ मैं। ये तो यहाँ आते ही छा गया यार। मेरा पूरा नाम है सत्येंद्र अर्जुन सिंह विजेंद्र राजपूत रवि प्रसाद गुरु नंद गोपाल। ओ चाइना वॉल भी इतनी लंबी नहीं जितना तुम्हारा नाम है। ठीक है ऑब्वियस बताओ। गाना गाना, कविताएं लिखना, एक्टिंग करना, डांस करना, पहाड़ भी बन सकता है, इतनी सारी चीजें कर सकता है। इसे देखकर लगता तो नहीं कर सकता होगा। अरे भाई तू शुरू करना। देखना आप। आप सब इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है गाता हूँ। हरा करेला कड़वा होता है, नीम का पत्ता कड़वा होता है, मूली का पत्ता कड़वा होता है, गोभी का पत्ता फल होता है क्या? ए बकवास मत कर। गोभी का पत्ता रसीला होता है, रसीला होता है, रसीला होता है। क्या बात है। थैंक यू। आगे सुनाऊं? शुरू हो जा। ट्रेन के सफर में टिकट लगती है, बस के सफर में टिकट लगती है, प्लेन के सफर में टिकट लगती है, ऑटो के सफर में क्या लगता है? ऑटो के सफर में क्या लगता है? टिकट। टिकट की जगह, टिकट की जगह मीटर होता है, मीटर होता है। अच्छा कर लेते हो तुम। ऑटो को तो मीटर चाहिए, कविता में कोई मीटर नहीं है। अच्छी कविता सुनाओ। पोएट्री डायलॉग बाजी नहीं होती, उसमें रिदम होता है समझे? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये व्हाइट मुर्गी बोले गाना गाओ, फास्ट फूड पे खाना खाओ, यही तो कहती है ना। ओ इतनी सी बात। चल शुरू करते हैं, जरा सरगम देना भाई। गाँव की थी एक गोरी, प्रेमी से मिलती चोरी चोरी, मिलन की आस रह गई अधूरी, क्योंकि उसके प्रेमी को थी कमजोरी 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 कमजोरी। छा गए यारो, क्या ताल से ताल मिलाइए। बकवास, तुम और तुम्हारी कविता। देखिए कविता में भी जिंदगी की सच्चाई बताई जाती है, समझिए आप दोस्त। ये वाला भी मस्त है। कंटिन्यू कंटिन्यू। जो सच बोलेगा मरेगा, हर कोई ना पसंद करेगा, ना सुधरा तो बैंड बजेगा, सहेली का नया ड्रेस देखा तो उसका ड्रेस मूड खराब करेगा। टा 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 टा।
तू इस पद्दू को नहीं जानता, फायर ब्रिगेड को बुलाना होता ना तो भी ये मिस कॉल देती है, इतनी कंजूस है। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। ए बाइक साइड में लगा, मत मारो मुझे। अरे सुन, अरे कटर है, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। कितना पैसा लिया था? 50,000। वापस कब करना था? पिछले महीने। अब तेरी कहानी खत्म बेटा। पैसे लेकर खाएगा? एक महीने का बोला, 3 महीने हो चुके हैं। अब मुझे 50,000 रुपए नहीं चाहिए, तेरी 5 उंगलियां चाहिए। ए, अरे रे। एक आदमी को जानवरों की तरह रास्ते पर काटा जा रहा है और तुम सब तमाशा देख रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन है तू? तेरा क्या काम? निकल यहाँ से। वोटर आईडी कार्ड नंबर 1562, सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का तो अपने इलाके में जा, ये जंगैया का इलाका है। जैसे ये देश मेरा है, ये इलाका भी मेरा है। ज्यादा शाना बन रहा है, ऐसे क्या दिखाएगा तू? ए निकल। तुम सबको तो मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊंगा और तुम्हारे भाई को पुलिस स्टेशन। ये क्या है सर, इस शहर में शरीफ लोगों को जेल में डालते हैं क्या? पुलिस वाले अभी जिंदा हैं, तुम्हें बीच में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। रोड पर एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं? 108 पर कॉल करते हैं। और अगर रोड पर लड़ाई हो तो 100 पर इन्फॉर्म करते हैं। तुम्हें हीरोगिरी करने की क्या जरूरत थी? सर मैं रोकता नहीं तो उसका हाथ काट देते, इसमें क्या गलती की? गलती नहीं है, लेकिन पैसा इंसान को हैवान बना देता है। तुम्हारी गलती ना होने पर भी तुम लॉकअप में बंद हो, बिकॉज ऑफ मनी ओनली। इंस्पेक्टर होकर कैसी बातें कर रहे हैं? सर जमानत के कागज। कितना है? 3,000 है सर। मुथु कुमार सर, जाने दो इसे। ओके सर। सुन हीरो, कहीं भी जाने से पहले वहां की सड़कें और गुंडों के बारे में जान लेना चाहिए। अब जाओ, जाकर अपना काम करो और फिर जंगैया से पंगा मत लेना। तू वकील तो लाया नहीं था तो बेल कैसे मिली? मेरी बात सुन, पैसा इंसान को भगवान बना देता है, ये वकील और जमानत कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग सर, ये फाइल। हेलो, तू इतने पैसे लाया कहां से? मेरे पास कहां से आएगा, जंगैया से उधार लिया। क्या नजारा है। ए, सूरज तो यहाँ से निकला है, वहां क्या नमस्कार कर रहा है तू? सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, वो तो बुड्ढों का काम है, तू नहीं समझेगा। ये क्या हरकत है? ये बच्चों की देखने की चीज नहीं है, रात को नींद नहीं आएगी, तू जब अपना काम कर। बेशरम। अरे मौसम कितना सुहाना है। चल क्या कर रहा है? एक बार तू देखेगा ना, कल से तू जाके अपना काम कर। देखने दे ना। नहीं आती झांकते हुए। ए, एक बार फिर सोच ले, हफ्ते में 4 दिन तू देख लेना और 3 दिन मैं देख लूंगा, नहीं तो तेरे सर पे फोड़ दूंगा। पूरा रंग में फंग डाल दिया बेटा। राम मूर्ति, ये तो हमारा बाथरूम है, इसके ऊपर ये क्या कर रहा है? इसी से पूछो। हमारी छत से आपका बाथरूम दिखाई देता है। हाँ? आपकी बेटी को नहाते हुए कोई लफंगा देख ना ले, इसलिए छत को ढक रहा था। आहा, आजकल के लड़के तो फोन से ही लड़कियों का MMS बना लेते हैं, तुम्हारे जैसे लड़के तो बहुत रेयर हैं। राम मूर्ति बहुत अच्छा लड़का है। इसने बाथरूम का बल्ब लगाया है। बड़ा अच्छा। मैं कॉफी बनाती हूँ, ले आओ। उसे दिन में 2 बार नहाने की आदत है, नाइट शो कैसे मिस करता? तुम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त हो। अंकल, हम एक ही गांव से एक ही थाली में खाते हैं और एक ही में छेद करते हैं। यही गलती मैंने इसके साथ की, एक ही थाली में खाया और एक ही बिस्तर में सो गए। मैं कुछ समझा नहीं। कहते हैं शादी और उल्टी को कोई नहीं रोक सकता, इसे उल्टी हुई और मुझे शादी करनी पड़ी। चलो छोड़ो, मैं अपनी बेटियों से मिलवा। हाँ, चली, चली। मेरा ये काम कर दो, बस 5 मिनट ही लगेंगे प्लीज। ये है मेरी बड़ी बेटी कमला, ये मुझे बिना बताए कोई काम नहीं करती। रात को मुझे आने में लेट हो जाएगा, मेरा वेट मत करना, बाय। वेरी सिंसियर। और वो है मेरी छोटी बेटी विमला, सीरियल देखने के लिए वेरी सिंसियर। और वो मेरी बीवी राजेश्वरी, वेरी इंटेलिजेंट। इतनी इंटेलिजेंट कि मैं क्या बहुत अच्छा लगा, हम बाद में मिलेंगे। उसका कहना है कि अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। जल्दी चल वरना बहुत पकाएगा। अच्छा बेटा, जब बुलाएं तो आ जाना। बिन बुलाए भी आ जाएंगे अंकल। सुना ना, अंकल ने कहा कि पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए और तू है कि मना किया जा रहा है। ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, समझ गया, अब चल। परफ्यूम बहुत अच्छा है, कौन सा ब्रांड है? मैं तो 3 दिन से नहीं आया। आपसे नहीं पूछ रहा। ओ सॉरी सर। आज तुम्हें कुछ नया लग रहा है। सर मैं तो 25 साल से यही शर्ट पहन रहा हूँ, बस सिर्फ दाढ़ी मूछ बढ़ गई है मेरी। आपसे नहीं बोल रहा हूँ। ओ फिर से सॉरी। थोड़ा सा साइड दोगे? अरे अब तुमसे बोल रहा हूँ। ओ सॉरी सर, मुझे लगा आप लड़की से बात कर रहे हैं। मोनिका, हमारा फ्लोर आ गया। अच्छा बेवकूफ बनाया। सर 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 सर, क्या ये ग्राउंड फ्लोर है? वहां से कूद के देख लो, पता चल जाएगा। मामा।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और कहाँ जाता? जरा धीरे बात कीजिए ऑफिसर। राम से बेटा ये राम मूर्ति कहाँ है? राम मूर्ति तो ओ, यहां अच्छा, नहीं है। उसके बाप ने एक्चुअली उसके लिए 10,000 भिजवाए थे, वो नहीं है तो मैं वापस ले जाता हूँ। मैं तो यहीं पर हूँ, लाइए दीजिए मुझे। पता था पैसों का नाम सुनते ही तेरी जीड़ लप लप आएगी। तेरे बाप ने मुझे तुझसे 5,000 लेने के लिए भेजा है। आपने मेरे साथ चीटिंग की है। तेरे बाप ने कभी तुझे पैसे दिए हैं? चल इधर आ। नंदो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए फूलों वाली शर्ट भेजी है, ये रही। मामा ऑफिस में इस तरह? ओ क्या हुआ, तुम पहनोगे तो तुम्हारे बाबा को खुशी होगी। अरे अगर मैं पहन भी लेता हूँ तो बाबा देखेंगे कैसे? बस इतनी सी बात है, तुम शर्ट पहनो, मैं तुम्हारे बाबा को दिखाता हूँ। मेरे पास भी तुम्हारे जैसी टेक्नोलॉजी है बेटा। ये फोटो पूरे गाँव में वायरल कर देंगे। कहाँ फंस गया, जल्दी पहनो। बहुत अच्छे, पहनो। कितनी अच्छी लग रही है, जरा पोज बदल। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहा है बेटा। लग रहा है। क्या बात है। बस बहुत हुआ मामा, आप जाकर वहाँ बैठो, मैं ऑफिस का काम खत्म कर गया था, फिर साथ में घर चलते हैं। अरे बेटा मुझे बहुत काम है, आइए लो, तुम्हारी पार्वती मामी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। इसमें गज्जक है, लड्डू है, हलवा है, ये लो। वेरी फनी। इन्हें भी दे देना, तुम्हें देख रही हैं। हलवा है ना, मैं दे दूंगा। अच्छा तुम त्योहार में तो आ रहे हो ना? आऊंगा मामा, आप बस मेरे बाबा का ख्याल रखना। अरे बाबा का ख्याल रखूं? अरे मैं क्या उनका ख्याल रखूंगा बेटा, वो तो पूरे गाँव का ख्याल रखते हैं। ए पैसे जल्दी भेज दे। उन्हें बोलना मैंने याद किया। तबीयत का ख्याल रखना मामा। हाँ हाँ ठीक है, मेरे मामा है। अब चल, मामा बहुत सारे लड्डू लाए हैं, आकर खा लेना। हलवा नहीं देगा क्या? कल तो आपने मुझे 5 रुपए में छोड़ा था, तो फिर आज 6 क्यों मांग रहे हो? सरकार ने ऑटो के रेट बढ़ा दिए क्या, या फिर तुम्हें मेरा वेट ज्यादा लग रहा है? अरे मैडम, कल आपको मिला के 4 लोग थे, आज आपको मिला के 3 ही लोग हैं, इसलिए मैडम। तो मुझे उससे क्या लेना देना, मैं इसकी 1 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? मैडम 1 रुपए के पीछे इतना नाटक, अपना 1 रुपए अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। ए तू जाना, ऑटो नहीं मिलेगा तो पैदल नहीं जा सकती क्या? एक्सक्यूज मी, कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुनो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ तो मैं ड्रॉप कर दूँ। ड्रॉप करोगे? नहीं, मैं तुम जैसों को जानती हूँ। क्या जानती हो? आज तो तुम मुझे लिफ्ट दोगे और कल कहोगे कि। और कल क्या? पेट्रोल बिल थमा दोगे। हैं? मैं ये 35 समझती हूँ। इसके भेजे में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या कहा? तुम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या? और नहीं तो क्या, कोई और लड़की होती तो कहती आज लिफ्ट दोगे कल लव लेटर दोगे, और तुम्हें देखो कहती हो पेट्रोल का बिल दोगे। दिल से ज्यादा तुम्हें बिल की फिक्र है, पैसे नहीं मांगूंगा, आओ बैठो। ए क्या बोला तूने? फ्री में लेके जाऊंगा। हाँ तब ठीक है, 5 दे दूंगी। तुम खुददार हो? तो मैं भी खुददार हूँ, 5 रुपए कमाने के लिए शेयरिंग ऑटो नहीं चला रहा हूँ। मैं फ्री में ना कुछ लेती हूँ ना ही कुछ देती हूँ, चाहिए कि नहीं? ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, बैठो। सलाम भाई। हाँ सलाम सलाम। यहाँ क्यों रोक दिया? तुम्हारा घर यहाँ से नजदीक ही है ना, पैदल चली जाओ। हाँ? पैदल क्यों जाऊंगी? मुझे अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए इस बाइक को यहाँ गिरवी रखने आया हूँ। हाँ? हाँ? ये तो राम मूर्ति की बाइक है ना। इस दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं है। क्या भगवत गीता, किसी का कुछ नहीं होता। कल ये राम मूर्ति की थी, आज ये मेरी है, और थोड़ी देर में ये बाइक रामलाल सेठ की होगी। ठीक है ये लो 4 रुपए रख लो, घर नहीं छोड़ा इसलिए 1 रुपए कम दिए हैं। 1 रुपए? अरे देख के चलना। 2 महीने तक ऑफिस ऑटो में जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं समझा नहीं। अरे यार तुझे गर्व नहीं होगा कि तूने एक लड़की को पढ़ाया? पर मैं ऐसा क्यों करूं? एक ऑफिस से लोन लेकर मैं तेरी बाइक को छुड़वा लूंगा। तूने गिरवी रख दी क्या? ये ले अपने हाथ से देना। ओहो बाइक मेरी और नाम तेरा। चल ना। मेरी बाइक की गिरवी रख दी इसने। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ तो तुमने मुझे पैसे दे दिए, थैंक यू बेटा। अंकल थैंक्स कहना है तो राम को कहिए। थैंक यू भैया। एक इज्जतदार आदमी के लिए कर्जा लेना शर्मिंदगी की बात होती है। बिल्कुल नहीं होंगे। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए वो खुद को भी दाव पे लगा सकते हैं, इसलिए मन लगा के पढ़ना। ठीक है भैया। अब हम चलते हैं अंकल। ए अब चलो। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं आंटी, आंकल मतलब पैसे वापस नहीं आएंगे। ठीक है अंकल हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है बेटा। थैंक्स यार मूर्ति। किस लिए? बाइक का सोचकर बुरा तो लग रहा होगा ना। अरे वैसे भी वो बाइक दहेज में देनी थी मेरी बहन शुभलक्ष्मी, बाबा उसकी शादी तुझसे कराने वाले हैं। हाँ जैसे कि मैं उससे शादी करूंगा। अरे यार तेरी बहन मेरी बहन हुई ना। ए तुझे पता है मैं तेरी इतनी मदद क्यों कर रहा हूँ? ताकि तू मेरी बहन से शादी करे, समझा? क्या बोला? तो आज तक तूने मेरी जो भी मदद की है उसके बदले में मुझसे ये चाहता है? मैंने इसी नियत से तेरी मदद की है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? सॉरी यार तेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। सुन ना कल वो यहाँ आ रही है, एक बार उससे बात तो कर।
उसको बहन मानता हूँ अपनी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मदद करने के बदले में कुछ मांगना दोस्त नहीं कारोबार होता है, मतलब ये तू नहीं चाहिए मुझे ऐसा दोस्त। हाँ अब क्या रूम छोड़कर जाएगा? हाँ तेरी नियत में खोट है, ये जानने के बाद भी मैं यहाँ पर रुकूंगा? मैं इतना भी बड़ा पागल नहीं हूँ। अरे जा रे, बैचलर्स को घर नहीं मिलता है, यहाँ वहाँ भटकता रहना। क्यों भाई कमरा खाली करके जा रहे हो क्या? मैं नहीं, वो जा रहा है। तो तुम भी उसके साथ क्यों नहीं जाते? मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि मैंने ये मकान बेच दिया। बेच दिया? मेरे परमिशन के बगैर नहीं बेच सकते। अरे रहना है रहो, मुझे क्या, मैंने मकान जंगिया को बेच दिया। रुकिए, घर जंगिया को बिक गया है, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ, बाय बाय। जंगिया से तो बचूंगा। सर आपने बुलाया मुझे? पद्दू इन लोगों को अपना मकान खाली करना है, तुमने बताया था तुम्हारे घर में कमरा खाली है, तो इन्हें ही दे दो किराए पर। इन दोनों को? हाँ हम दोनों को। जैसे फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती, वैसे ही बैचलर्स को घर नहीं मिलता, ये बात तो आप जानती ही होगी। सॉरी सर, 3 महीने का एडवांस रेंट लगेगा और ये वो नहीं दे सकते हैं। पद्दू पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, तुम कमरा सर, अगर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो मिल जाए तो उसे भगवान की फोटो के साथ रखकर उसकी पूजा करूंगा। इसे स्टैम्प साइज का भी फोटो मत देना। सर बिलिंग स्ट्रेटजीज और प्राइस की पूरी लिस्ट मैं आपको मेल करती हूँ। ओके कैरी ऑन। ये अकेले क्यों जा रही है? आएंगे। थैंक यू सर। बाय बाला। टाइमिंग के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बिजली और पानी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना, समझ गए? बिजली पानी के मामले में भी कंजूस है। भास्कर सर। हाँ बेटी। वो रेंट का क्या हुआ? चिंता मत करो बेटी, कल मैं तुम्हें रेंट दे दूंगा। ए, सारा सामान आ गया ना? हाँ आ गया भाई, सारा सामान आ गया। अंदर आओ। ए, कहाँ जा रही है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटी? मैं तुम्हें स्कूल जाती बच्ची दिखती हूँ क्या? बेटी बेटी कर रहा है। ए, कैसी बातें कर रहे हो? चलो अंदर चलो। बहन सबसे ऐसी बात करती है क्या? नमस्ते आंटी। हाउ डेयर यू कॉलिंग मी आंटी? मेरी बड़ी बहन सीता लक्ष्मी। अपने बच्चों को भी ये क्या कर रही हो? अरे जबरदस्ती ले गई। अरे कितनी बार मैंने ये मना तुम्हारी किया? बड़ी बहन होगी ना? नहीं मैं इसकी माँ हूँ। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर समझो। चाय कॉफी को तो काम हो गया। ये लोग चंदा मांगने आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये हमारे नए किराएदार हैं। बैचलर्स को किराए पे रख रही हो? अरे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? घर पे इतनी सुंदर लड़की है, थोड़ा उसके बारे में तो सोचो ना। पहले तू अपनी 10th की पढ़ाई पूरी कर, चल जा महारानी कहीं की। अच्छा इन लोगों को चाय कॉफी या खाना अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो मत देना, समझ गई? ये यहाँ पर किराएदार है, इनसे दूर रहना। वहाँ क्यों खड़े हो, चलो ना। चलते हैं। बाय आंटी। चलना। ये तुम्हारी जगह है, यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ एक और फैमिली भी रहती है, अगर कोई पंगा लिया ना तो। हेलो सुन लो, लात मार के निकाल दिए जाओगे। ओके ओके। पकड़ो चाबी। शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ ना। इतना बड़ा घर होने के बावजूद कितनी कंजूस है ये। ये लीजिए। अरे नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला आपका। अच्छा। और चाहिए हो तो बता देना। कितनी भरका है, ज्यादा तेल मत यूज किया करो। लेकिन पूरियां तेल में तली जाती हैं, पानी में नहीं। दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने में बैंड बज जाती है। मेहनत करके पैसे कमाने वाला आदमी भी तेरे जैसी बातें नहीं करता। हाँ उन दोनों भले लड़कों ने मुझे 2 मटके पानी ला के दिया है, समझी? ऐसा क्या तो मतलब कॉफी, तुमने उन्हें कॉफी और चाय बना के दी है ना? हे भगवान, मुझे इस घर से उन्हें एक गिलास पानी देने की इजाजत नहीं, उन्हें कॉफी कहाँ से दूंगी? तेरा महान बाप तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया, और अब ये बच्चे अगर मेरी मदद करने आए हैं तो। अरे माँ मुझे पक्ष दे, तू ही खा ले सारा। सिगरेट के टुकड़े, अब मैं बताती हूँ इन दोनों को। पूरी बहुत टेस्टी, इसलिए तेरे लिए एक्स्ट्रा लेकर आ गया। हेलो क्या ये, इस घर को एस्ट्रे समझ के रखा है? इससे पूछो। तूने भी तो खुद को सिगरेट के साइज का, तूने पी सिगरेट? सिगरेट क्या फ्री में आती है? अगर कैंसर हो जाएगा तो क्या कोई फ्री में इलाज करेगा? लाइफ बहुत महंगी है और मरना भी बहुत महंगा। क्या रे तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं? हाँ समझ गए। अरे छोड़ो इसे, इसे तो मरने का शौक ही है। पूरी बहुत अच्छी है, खाओगी? फ्री में है। ये लो ये लो। अभी आए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम लोग खाना शुरू हो गए? ये क्या बात हुई, अब हमारे खाने पर भी रोक लगाओगी? पीना मना कर दिया, सिगरेट मना कर दिया, और जुआ तो हम खेलते भी नहीं, पूरी में अब क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। इधर दे। अरे मुझे पहले से ही पता था। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये हमें इंसान नहीं समझती क्या? खाना नहीं खाएंगे तो क्या हवा खाएंगे? समझता क्या अपने आपको, फ्री में मिलेगा तो क्या खाते जाएंगे? ओ मेरी अन्नपूर्णा, करुणा की देवी, अगर तुम इस घर के सभी किराएदारों को कॉफी पिलाओगी, नाश्ता खिलाओगी, पूरियां खिलाओगी तो इस घर को बेचना पड़ेगा, दिवाला निकल जाएगा। लेकिन ये पूरियां तो मैंने नहीं बनाई, इसमें आलू भी नहीं है, और मैंने तो चने की सब्जी बनाई थी। भगवान मैंने सोचा तुमने दी है। अरे लड़की किसके घर से उठा कर ले आई है तू?
ओह नो, बहुत हुआ, तूने तो कंजूसी की सारी हद ही पार कर दी। मोनिका, ये एम्प्लॉयज का बायोडाटा कौन से फोल्डर में रखा है? सारी डिटेल्स एम फोल्डर में है। ओके नंदू। हाँ बोलो, क्या हुआ? बिजी हो क्या? हाँ थोड़ा सा, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। पूड़ियों को लेकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार। हाँ, तुम जैसी मिस को मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। खैर कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। अच्छा सुनो। हाँ? बोलना। वो हम साथ चल के फ्रूटी पी सकते हैं क्या? ओके ठीक है चलो। ये तो हमारे एमडी की गाड़ी है, इसे गिरवी रखोगे क्या? हाँ जरूरत पड़ी तो बेच भी दूंगा। फ्रूटी पिलाने के नाम से मुझसे ब्लड डोनेट करवा दिया, कल को इडली के नाम पर मेरी किडनी डोनेट करवाओगे क्या? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? रस्ते पे कचरा नहीं फेंकते पता नहीं कैसे। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। हाँ, रक्तदान अपनी मर्जी से करवाया जाता है, किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। सॉरी पदु, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारा खून बेचा थोड़ी है। एक मासूम बच्ची और उसकी माँ को खून की जरूरत थी। चाहे तुम कुछ भी कह लो, जो गलत है सो गलत है। हाँ देखो, मैंने ऑफिस में सबका पर्सनल रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही ब्लड ग्रुप उनसे मैच कर रहा था। क्या हुआ साहब, क्या बात है? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चाहिए इसे? इसे 100 रुपए चाहिए, तुम दोगी? लेकिन क्यों? उसे लग रहा है हम यहाँ अश्लील काम करने आए हैं। उसके लिए 100 रुपए? तो इस सब का क्या रेट होना चाहिए, तुम ही बता दो। आज दिन ही खराब है। बेकार में 100 रुपए दे दिए। तो पैसा वसूल करने का इरादा है क्या? क्या? नहीं नहीं। अब चलो। थैंक यू पद्दू। सर ये किस लिए? तुमने समय पर आकर ब्लड डोनेट करके मेरी बेटी और उसके पैदा होने वाले बच्चे की जान बचा ली। तुमने आज 2 जिंदगियां बचाई हैं बेटी, इसलिए 2 शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। 2 शब्द नहीं, आज आप 4 शब्द कहिए। इसने फ्री में ब्लड डोनेट किया है, तो आज मैडम के नाम पर आप सब लोग फ्री में समोसे खा सकते हैं। आप टेंशन मत लो, बिल एमडी सर देंगे। सभी यंगस्टर्स को पद्दू जैसा बनना चाहिए। नंदू तुम कुछ कहना चाहोगे? यस सर। इस दुनिया में जहाँ हर कोई एक दूसरे का खून चूस रहा है, वहाँ खून देकर पद्म प्रिया ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। दुनिया को ऐसे ही नेक इंसानों की बहुत जरूरत है। ये लीजिए छुट्टे। अरे ये तो अपना भाई लग रहा है। ए भाई देखा, पकड़ लिया ना। अक्खा शहर में किसी को भी ड्राइविंग नहीं आता है भाई। बाकी का छोड़ो, तुमने सीखी है नहीं, अपन तो बचपन से जानता है। ये कहाँ जा रहा है भाई? क्या करोगे जान के? अरे ये ड्राइवर। अरे इसका ड्राइवर मैं ही हूँ। 4 पहिए की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अब 3 पहिए की गाड़ी चलाएगा? हाँ यार। फिर तो स्वागत है बेड़ो, वेलकम। मूवी इतनी अच्छी भी नहीं थी। हाँ कुछ समझ में नहीं आया। ऑटो सत्तापट्टी चलोगे? हाँ बैठियो, बैठो। हम लेट तो नहीं हो जाएंगे ना? चिंता क्यों करती हो, लेट हो गए तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। आओ ना। नहीं ना। अरे आओ ना, एक किस। भाई ऑटो में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ऑटो की नहीं है, तेरे लिए प्रॉब्लम मैं हूँ। चल बाहर निकल। ए, कॉलर छोड़। इस लड़की से शादी करेगा? तू कौन होता है पूछने वाला? बीच में टांग मत अड़ा। सही कहा, लेकिन मुझे टांग अड़ानी है। ए! अरे तुम ऐसे क्यों मार रहे हो इसे? खोले आम ऐसी हरकतें करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बाप ने आज तक नहीं पूछा तुम कौन होते हो। बताऊं कौन होता हूँ? तुम्हारी एमबीए की फीस भरने वाला। उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि मैं कौन होता हूँ? तो उसके लिए मेरे दोस्त को मारोगे तुम? हम मारूंगा। ए, इस लड़की के आसपास भी नजर आया ना तो पप्पी देने के लिए तेरा मुंह नहीं बचेगा। अब ऑटो से नहीं बस से जा। ए, तुम ऑटो में बैठो। तुम्हारी शिकायत पापा से करूंगी। हाँ हाँ कर लेना। अब कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? जिस रास्ते पर तुम भटक गई थी उसे पीछे छोड़कर सही रास्ते पर जा रहे हैं। कमला
जवानी जिंदगी का वो मोड़ है जिसमें लड़खड़ा गए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं तुम्हें अपना दुश्मन लग रहा हूँ, लेकिन कभी भी जरूरत पड़े तो याद रखना तुम्हारा ये भाई एक कॉल पे आ जाएगा। ये लो 5 रुपए। थैंक यू। ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे तेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। कौन सा काम? ऑटो चलाने का? हाँ वही। यही तो दिक्कत है अपने देश की, इंसान को उसकी नौकरी के हिसाब से भापते हैं, ये नहीं देखते कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। दूसरे देशों को देखो, हर काम की इज्जत करते हैं सब। यार तू ऐसे ऑटो चला रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तू मेरी बाइक के बारे में ना बिल्कुल भूल जा, मुझे मेरी बाइक चाहिए ही नहीं। स्टॉप देयर। तुम्हें ऑटो चलाने का लाइसेंस आखिर किसने दिया? आरटीओ। शट अप। मेरी बेटी से सवाल करने का लाइसेंस तुम्हें किसने दिया? मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को मारने का लाइसेंस तुम्हें किसने दिया? पहले ही दिन से तुम्हारी गंदी नजर मेरी बेटी कमला पर थी, इसलिए तुमने हमारे बाथरूम की टाइल्स ठीक की। मेरी बेटी की एमबीए की फीस तुमने भरी। एक अमीर लड़के के साथ तुम उसे देख नहीं पाए इसलिए मार के भगा दिया। हमारे घर के मामलों में तुम्हें टांग अड़ाने का लाइसेंस किसने दिया बोलो? अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक लड़की की जिंदगी के साथ मत खेलो, और तुम इसके साथ घूमना बंद कर दो। चल छोड़, चलो चलते हैं। ए, तूने उन लोगों की कितनी मदद की, उसने एक बार भी नहीं सोचा। क्या क्या बोल गया यार? मैंने एहसान जताने के लिए मदद नहीं की थी, और जब मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? नंबर मांगा था उसने, एड्रेस ही दे दिया। हाय प्रियंका। अब ये लड़की कौन है? रोती हुई लड़की को अगर शीशा दिखा दिया जाए तो फिर वो जिंदगी भर नहीं रोती। दीदी ने मुझे हेयर कट के लिए 300 रुपए दिए थे। That's great. लेकिन मुझसे वो सारे पैसे बिना हेयर कट करवाए ही खर्च हो गए। That's bad. नंदू, हमें इस उम्र में मस्ती करनी चाहिए ना? हमें? हाँ वो बात नहीं है, स्कूटी सीखने की बात कर रही हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझसे स्कूटी ली और उसने बिजली के खम्भे में ठोक दी तो उसकी हेडलाइट टूट गई। उसे ठीक कराने के चक्कर में पैसे खर्च हो गए। अच्छा। अगर दीदी को पता चला कि मैंने हेयर कट नहीं करवाया ना तो मुझे मार देगी। पगली, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? क्या तुम मुझे 300 रुपए दोगे? भाई तू कितना टैलेंटेड है यार, मैं तो कह रहा हूँ ये ऑटो चलाना छोड़, खुद का सलून खोल ले, बहुत सही कमाएगा। जूते भी अच्छे मारता हूँ, उसकी भी दुकान खोल लूँ। हाँ बढ़िया आइडिया है। कितनी देर लगेगी? थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा, हीरोइनों वाला हेयर स्टाइल जो देने वाला हूँ तुम्हें। मुझे किसी हीरोइन के हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही हीरोइन हूँ। अच्छा, एक काम कर, सारे बाल जला दे। क्या ये, कहाँ से कटिंग कराई तूने? इसके लिए 300 रुपए दिए ना? बेकार से हेयर कट के लिए? बेकार से हेयर कट नहीं है, तमन्ना हेयर कट है। तमन्ना हेयर कट मेरी जूती। बता मुझे कहाँ है उसकी दुकान, सारे पैसे वापस लेकर आती हूँ। हेयर कट हो जाने के बाद कोई भी पैसे वापस नहीं करता। तू उन्हें सपोर्ट कर रही है? तेरी तो देखो ना, दीदी मार रही है। अरे अरे, उसका कान क्यों खींच रही है? बहरा कर देगी तो शादी कौन करेगा इससे? क्यों, बहरी लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? इसकी कंजूसी की तो हद ही नहीं है। शादी करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इंग्लिश सीखना तो सीखो पर उसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बोला। हमारी लक्ष्मी दीदी तो दिन रात इंग्लिश पढ़ पढ़ के अंग्रेज बन जाएगी। अमेरिका वाले जीजाजी को इम्प्रेस जो करना है। ए, और क्यों डाल रहे हो? तराजू ठीक से पकड़ो और ये सब निकालो। इतनी बार बोला तुम्हें समझ में नहीं मुझे आता? 5 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हारे पास है? 5 लाख? मैं सीरियस हूँ पद्दू। ओके ओके। ये क्या कर रही हो? ए, सब देख रही हूँ, चीटिंग नहीं, कम से कम 10 किलो होना चाहिए। घर क्या रही हो? वही तो ढूंढ रही हूँ नंदू। मजाक मत करो, है या नहीं है? एक मिनट पूछती हूँ। माँ, वो तिल के बीज वाले बॉक्स में कुछ पैसे रखे हैं? नहीं है। अरे मुझे नहीं, नंदू को चाहिए। मुझे लगता है शायद 36 रुपए और 75 पैसे होंगे उसमें। हाँ तो तुम उतने पैसे रख लो और बाकी के कहीं से अरेंज कर लो। बात बहुत सीरियस है बद्दू, और तुम समझ नहीं रही हो। क्या लगता है, 5 लाख बहुत छोटा अमाउंट है क्या? इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हें पता है वो मोहल्ले का भाई कहाँ पर मिलेगा? ले चल उसके पास। क्या कर रहे हो, मेरा बैग तो लेने दो। नंदू वो इंसान बहुत खतरनाक है। वो इंसान कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसके पास ले चलो। ठीक है, लेकिन तुम बात नहीं समझ रहे। कौन सी बात? उधार देने वाला सिर्फ हमें नहीं, हमसे जुड़े लोगों को भी परेशान करता है। ये सब सह नहीं पाए तो मेरे पापा ने तुम्हारे पापा, क्या हुआ था? खुदकुशी कर ली थी। I'm sorry, पद्दू। मेरी बात मान लो नंदू, प्लीज मत लो उससे पैसे। वक्त नहीं है, जल्दी से उसके पास ले चलो, प्लीज चलो। नंदू तो मेरी बात समझो। तुम बस चलो ना। नंदू एक बार और सोच लो। नंदू ये बहुत ही बुरा इंसान है। बुराई हर इंसान में होती है, चलो। हाय, नंदू आ रहा है।
तू यहाँ कैसे बे? गलती से आया क्या? गलती से नहीं, मदद मांगने आया हूँ। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मशीन ऑफ करने को बोल रहे। ए, मशीन बंद कर। इसमें मदद की क्या बात है? पैसे के बदले कुछ गिरवी रख दे। कुछ है तेरे पास? गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और वक्त बहुत कम है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। प्लीज भाई, जिंदगी और मौत का सवाल है। गणेश मास्टर के बेटे की जान खतरे में है। कहो तो मैं खुद को गिरवी रख देता हूँ। उसने तुझे बचपन में पढ़ाया है क्या, या फिर तो उसका होने वाला दामाद है? ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं बारिश में भीग रहा था, तब उन्होंने मुझे छाता दिया था। छाता? हाँ, जब मैं 10वीं में था तो मुझे भीगता हुआ देखकर उन्होंने अपना छाता मेरे हाथ में थमा दिया और खुद भीगते हुए चले गए। एक छाते के लिए 5 लाख? क्या कहा? अच्छाई की भी कोई कीमत होती है क्या? बस करो बस करो। ए, ये आज की वसूली की लिस्ट है। 5 लाख के बदले में कुछ गिरवी रखो और ले जा। प्लीज, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बस अपनी जान गिरवी रख सकता हूँ। आपको मंजूर हो तो कुछ भी ले लीजिए। मेरी किडनी, मेरी आंखें, मेरी जान ले लीजिए। पागल हो गए हो? तुम चुप बैठो भाई। अपनी आंखें और दिल गिरवी रखेगा? हाँ। अच्छी तरह सुना ना, भाई ने तेरी आंखें और दिल मांगा है। मैं लिख कर दूंगा, पर मुझे पैसे अभी चाहिए। इस पर अपने हाथ से लिख और साइन कर। Are you mad? ये क्या कर रहे हो नंदू? ये ठीक नहीं है। वक्त नहीं है, ऑपरेशन के लिए देर हो जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो पद्दू। ये ले 5 लाख। शुक्रिया भाई, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आज 15 तारीख है, अगली 15 को पूरा 1 महीना हो जाएगा। उस दिन रात को 12 बजते ही मुझे मेरा पूरा का पूरा पैसा वापस चाहिए। तेरी आंखें और दिल भाई के हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया ना? नंदू, ये पैसे रहने दो, मत लो। आज आपकी वजह से एक जान बचेगी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो चले। मास्टर जी, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ, ये लीजिए। नंदू, इतने पैसे कहाँ से लाए? वो सब छोड़िए, बस ऑपरेशन के लिए पैसे भर दीजिए। नंदू, तुम भगवान का रूप लेकर मेरे बेटे को बचाने के लिए आए हो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अरे नहीं, अपने बेटे का ध्यान रखिएगा। चलो चले। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को दम तोड़ते हुए देखना। और पता है कौन सी बात सबसे ज्यादा खुशी देती है? किसी की मदद करना, उससे आत्मा को सुकून मिलता है। क्या तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचते? तुम हो ना मेरे बारे में सोचने के लिए। अरे 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 मजाक करो, अरे अरे मारो मत। देख के देख के। हाय हाय हाय, देख तो जरा, प्रियंका तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है। मुझे लगता है इसे हेयर कट कराया है। इसे हेयर कट नहीं, हेयर बर्निंग कहते हैं। ओह, ये न्यू हेयर स्टाइल है क्या? हाँ, कैसी लग रही हूँ? और सच में अच्छा है, बताना कहाँ से कटवाया? ए, बताना कहाँ से करवाया है? बताना तेरा हेयर कट किसने किया है? मैंने किया है, अच्छा है ना? चुप कर, नंदू ने काटा है। नंदू ने? नंदू, ये तेरी हरकत है। वो तो मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अरे पिक्चर का टाइम हो गया क्या? हाँ भाई, चलते। ए, रुक, ये स्टाइल का क्या चक्कर है? जरा मुझे बताओ। अरे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। क्या? तुम अब स्कूटी को चला के ऑफिस जा सकती हो। हे पद्दू, बहुत जल्दी सीख गई है। वेरी गुड, चलो मैं आता हूँ। चल चल। पिक्चर तो तूने कभी देखी नहीं है। पद्दू के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहा है ना? चक्कर क्या है भाई, एक मिनट रुक। क्या हरियाली है, वाह यार, इस पिक्चर का सेकंड हाफ तो मुझे अभी से अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। अबे तू नहीं, तू देख, इसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुन, मुझे गंदी फिल्में देखना पसंद नहीं है। जिन आंखों से देख रहा है वो तेरी नहीं मेरी है, इस बात को याद रख। चल चल यहाँ से चलते हैं। यार पता है उसकी दो आंखें ना, मन करता है उसे फोड़ डालूं, मेरा मुंह देख के बस रुक जाता। बातें कर रहा है तू? अरे भलाई के चक्कर में तू मर रहा है। एक काम करना, उसे अपने हाथ और पैर दोनों काट के दे दे। अब इसे अच्छे से बांध दे। बांध रहा हूँ भाई। अरे तैयार हो गया आंटी? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका बाढ़ में पड़ी चीज को तुमने एकदम नया जैसा बना दिया। मेरे घर की भी खटिया टूट गई है नंदू। तो क्या करे, तुम्हारे घर की कुर्सी खटिया ठीक करने का काम है क्या हमारा? अच्छा, इस खटिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं नंदू? बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी को काट के, रस्सी को बांध के, उसके पैर। उसने इंग्लिश में पूछा है। ये क्या, मामा के नंबर से मैसेज आया है, फादर सीरियस, कम इमीडिएटली। ए, क्या कह रहे हैं? पहले उन्हें फोन करो। ट्राई तो कर रहा हूँ ना। फोन लग रहा है कि नहीं? नहीं यार,
जरूर कोई प्रॉब्लम है, वो शायद हॉस्पिटल में होंगे। और देर मत करो, जाओ जल्दी रेडी हो। बद्दू तू भी इसके साथ चली जा बेटा, नंदू के पापा हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, मेरा कल ऑफिस है, यहाँ जाना ज्यादा जरूरी है। लाओ मुझे दो। अरे नंदू बेटा, बिना बताए चले आए, सब ठीक तो है? बाबा कैसे? उन्हें क्या होगा, राममूर्ति तुम भी आए हो। इलो। चलो जीजा, सब बंद करो, नंदू आ गया है। नंदू आ गया? हाँ। चलो। कहाँ चले गए सब? पार्वती आंटी भी यहाँ पर नहीं है, कहाँ गए होंगे? ये तो तेरे बाबा है ना? नंदू। क्या बेटा, जल्दी आ गए क्या? बस यहाँ पर मेरी जान निकली जा रही है और आप दोनों गांव में घूम रहे हो? ऐसी बात नहीं है नंदू। आप चुप रहिए। मामा, ये सब क्या है? आपने मैसेज भेजा था इनकी तबीयत खराब है, ये तो ठीक है? अरे हाँ, देखना तेरा बाप कितना सीरियस है बेटा। और नहीं तो क्या, हम सबको छोड़कर यहाँ से ऐसे चला गया जैसे इसके लिए शहर ही सब कुछ है। क्या किया तूने वहाँ? कम से कम मैं शहर में जाकर काम कर रहा हूँ, एक गाँव से दूसरे गाँव नौटंकी करता नहीं फिरता हूँ। क्या कहा तूने? तू कौन सा मुझसे कम है? इतनी छोटी उम्र में तूने पूरी दुनिया से उधार ले रखा है और अब मुझे सिखाने चला है तू? हे भगवान, ये बातें अभी जरूरी है क्या? क्या जीजा, जब तक दूर था मुझे मेरा बेटा चाहिए बोलकर मेरा दिमाग खा गए, अब जब ये तुम्हारे सामने है तो लड़ना अच्छी बात है क्या? मैंने अकेले इंतजार नहीं किया, अंदर इसकी माँ भी इंतजार कर रही है। अरे हाँ, बोलो जाके मिल ले उसे। मैं तुम्हें माँ से मिलवाता हूँ। आओ। माँ, शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है, रहने के लिए अच्छा घर भी है, आसपास के लोग भी बड़े अच्छे हैं, कोई भी इनकी तरह झूठा नहीं है। देखा अरुणा, दुनिया वाले ऐसे ही नहीं कहते कि बच्चे माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं, इस सारे ड्रामे का डायरेक्टर तो यही है। दुनिया वाले जानते हैं कि मैं कलयुग का हरिश्चंद्र हूँ। इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, तुम इसे देखना चाहते थे ना, आ गया। और क्या, शहर से अपने साथ एक लड़की भी लेकर आया है, थोड़ा कंट्रोल करो। अच्छा बेटी, तुम और नंदू एक ही ऑफिस में काम करते हो ना, वहाँ पर ये मामा हम इन्हीं के घर में रहते हैं, तब तो बढ़िया है। मुझे हमेशा इसकी चिंता लगी रहती थी कि मेरा बच्चा वहाँ क्या खा रहा होगा। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। राम, डैडी, डैडी, क्या रे, चार महीने हो गए, तूने घर पे अब तक एक रुपया भी नहीं भेजा। चार महीने हो गए क्या? क्या रे, इधर उधर क्या देख रहा है, चल घर चल। ये हमारा घर नहीं है, मैं भूल गया था। तो घर चल, मैं बताता हूँ, चल ना। ए नंदू, तेरे लिए उपटन लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए। ये एक स्पेशल पाउडर है, इसे लगाने से आँखों को ठंडक मिलती है। चलो, तुम मुझे नहलाओगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ। देखो कितना शर्मिला बन रहा है, कमरे में तो नंगी पुंगी तस्वीरें लगा के रखी है, ये लो तुम ही लगा वैसे उपटन। अरे बेटा, मैंने तो तुझे बचपन से पाला है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैंने नहीं देखा। अच्छा हाँ, चलो चलो। हे भगवान, भैया तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अब मैं इसे अपने हाथों से नहीं नहला सकती, एक सुंदर सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा दो। हाँ, बहुत बोल रही थी ना, ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा, आप कभी बोलोगी नहलाने के लिए? तुम क्या देख रही हो, आओ तुम्हें भी नहलाने। क्या? अरे बाप रे, मैं नहीं आऊंगी। कब से अभी तक इसका बचपना गया नहीं है। ये बच्ची तो घर में टेबल पर ही खाती होगी ना, आदत हो जाएगी जीजा। नंदू, खाना बनते तो कहीं देखा ही नहीं। लो देखो, खाना भी आ गया। क्या बात है, मौसी क्या लेकर आई हो? नंदू, मैंने अपने हाथों से तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। अय्यर जी के घर से लेमन राइस और वड़ा आया है। ये कड़ी पत्ते की चटनी और दही है। अरे आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। मैं ज्यादा नहीं खा सकता, मेरा पेट खराब है। इतना सारा नहीं चाहिए। भैया प्याज की सब्जी भी लीजिए। देखो ये शहर नहीं है, जो बनेगा तुम्हें खाना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा मुझे भी दो। हमें क्या और कितना खाना चाहिए, ये सब लोग यही देखते हैं। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बाबा, तुम्हारे बाबा ने केले का बाग बेच दिया है, पता है? हाँ सही है बेटा, हमारे गांव में बुनाई करने वाले बहुत मुश्किल में थे, दो तीन लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली, बस इसीलिए। कोई नहीं बाबा, अच्छे काम के लिए था ना। हाँ, एक और बात, पता है हमारा वहाँ गन्ने का खेत था, मैंने वो भी बेच दिया। किस लिए बेचा? अरे वो हमारा रामू है ना, उसे खेती के लिए नई मशीनों की जरूरत थी तो मैंने बेच दिया। अच्छा किया, ये खेत अपने रामू से ज्यादा कीमती थोड़ी है। बाबा वैसे ये रामू है कौन? तू रामू को नहीं जानता? अरे वही जिसने सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड जीता था। याद आया। हमारे गांव का खाना पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अंकल, हाँ। गांव वालों के लिए अपनी ही जमीन बेच देना बेवकूफी नहीं लगती? अब इसे मेरी बेवकूफी कहो या फिर मेरी कमजोरी कह लो, गांव हंसता है तो मैं हंसता हूँ, गांव रोता है तो मैं भी रो पड़ता हूँ, अब क्या करूँ। अरे यहाँ आओ तुम लोग।
मामा आ गए, सब पैसे छुपा दो। फिर से तुम लोगों ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहे हैं, है ना। और मैंने अम्मू को दाव पर लगाया है ना। हाँ, तू धर्मा है और ये द्रौपदी बेशर्म कहीं का। मैं तो धर्मा नहीं बन सकता, लेकिन ये द्रौपदी है। ए जल्दी पत्ता फेंकना। हाँ, अपने खेल पे ध्यान दे। यहाँ पास में एक तालाब है, नंदू का कॉलेज उसी के पास है। ए, क्या कर रही है तू, दिखाई नहीं दे रहा मैं खेल रहा हूँ, चल निकल। खेला क्या? अरे ये लो, खेल दिया। ए, खिसक जरा, ठीक से बैठ। ए, इसे वापस रख, ये पत्ता अच्छा नहीं है। ऐसे खेलते हैं बाबा? क्या आप गलती कर रहे हैं? गलती? बचपन से मेरे हिस्से के पत्ते सिर्फ आप ही खेलते आए हैं। 25 साल का हो गया हूँ मैं, और इन 25 सालों में आपका ही चेहरा देखा है, और आज भी आप ही मेरे हिस्से के पत्ते खेल रहे हैं। गलती हो गई बेटा। कोई बात नहीं बाबा, इट्स ओके। इसके बाप की नजर में आज भी ये पप्पू है। ओह, क्या बे, क्या बोला तूने? पिछले 25 साल से तूने सिर्फ मेरा चेहरा देखा। ये बता, मेरी जगह क्या तुझे पड़ोसियों ने पाला है? तू मेरी औलाद है या पड़ोसी की औलाद है? जब आपको नहीं पता है तो आपके बेटे को कैसे पता होगा? देखिए वो कुछ पूछ रहे। तू बीच में क्यों बोल रहा है, अपना काम करना। अरे बच्चों को ऐसे नहीं मारा जाता, अब ये जवान हो चुका है। अरे कैसा जवान भैया, ये ठीक से पत्ते तो पकड़ नहीं पाता, और चला अपने बाप को सिखाने। पता नहीं क्या करेगा। मामा, आपका बेटा शहर जाकर बड़ा खिलाड़ी बन गया, इससे जो लड़की शादी करेगी वो बहुत किस्मत वाली होगी। ए, भाई मैं तो इसकी बात कर रहा था, तुझे क्या लगा? ए, तू कभी नहीं सुधरेगा। अरे अरुमुकुम, अरे अरुमुकुम, तुम ही हो ना? परेशान लग रहे हो भाई। कल सुबह 6 बजे का मुहूर्त है, मेरी बेटी की शादी है, याद है ना? अरे ये बात तो मुझे कितनी बार बता चुका है, ठीक है अब जाए यहाँ से। उसको आशीर्वाद देना है, आना जरूर। भाई सुन, गाँव में जब भी कोई शादी होती है तो ये सबसे पहले वहाँ लड़की को आशीर्वाद देने पहुँच जाते हैं। जाइए, आ जाएंगे। ये परम शिवम है, दिल का बहुत अच्छा है, यहीं पास में रहता है, समझे? और बेटे तुमको भी आना है, ठीक है? सुनो और अरे ये बैल डर जाएंगे, अब तू जा। हाँ ठीक है, जाता हूँ जाता हूँ। तो 1 ग्राम कितने का आता है? सोना महंगा आता है बाबा। अच्छा दादा, मेरा खिलौना कुएं में गिर गया है, निकाल दो ना दादा। खिलौने से खेलने में बाद में निकाल दूंगा। चलो ना अरे, दादा बोला ना बाद में निकाल दूंगा। निकाल दो ना अभी, चलो। छोड़ मुझे, नहीं निकालूंगा, जा। नहीं निकालोगे? पक्का नहीं निकालोगे ना? अभी दिखाता हूँ। अरे अरे रुक जा, अरे वापस कर वो, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे कोई। अरे वो कुएं में डालने की चीज नहीं है, रुक जा। अरे रुक, अरे अरे चली गई। इस लड़के ने नाक में दम करके रखा मेरे, क्या करूं? ये पकड़, इसे पानी में मत फेंक देना, मैं देख नहीं पाऊंगा। क्या लड़का है। कन्हैया के मन में दादाजी के लिए थोड़ा सा भी डर नहीं है क्या? ये डर नहीं है पद्दू, ये सिर्फ प्यार है। सारे गांव वालों के दिल में बाबा के लिए प्यार ही प्यार है। ऐसी बात नहीं है, गांव के एक हिस्से में जीजा का नाम लेते ही सब वहाँ से भाग जाते हैं। इतना डर? करमातुर में जीजा ने एक टॉयलेट बनवाया था, लोगों ने उसका नाम आरुमुगम टॉयलेट रख दिया। मैं पकड़ तेरी बेंज कार। थैंक यू दादा। अरे बाबा, ये लो तुम्हारी चप्पल। बदमाश लड़का है, इसके खिलौने के चक्कर में मुझे फिर से नहाना पड़ा। सॉरी नंदू, अब आ ही गये तो मेरी मदद कर दो। मैं करूं? हाँ, मुझे साड़ी की आदत नहीं है ना। मैं तो क्या, मुझे इसकी आदत है? अरे तुम मेरी हेल्प करो ना, इसे यहाँ से पकड़ो ना। अब क्या करूं? अरे ऐसे नहीं, इसे ऐसे इस तरह से करो। ठीक है। हाँ ये ऐसे प्लेट्स बिठाओ, इस तरह से। हाँ तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगी। तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो यार? ओके ओके सॉरी। अरे तुम्हें चारा देना भूल गया? रुको रुको मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो दूध मक्खन कैसे मिलेगा? वैसे ही इस देश में हर चीज की कमी पहले से ही है। अरे फिर कैसे? नंदू बाबा, नंदू बाबा, क्या हुआ? अरे जीजा क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? लगता है बिच्छू ने काट लिया। अरे बाप रे, चलो उठिए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, चलो चलो, 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 आराम से, आराम से, लोग भीड़ मत करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी बैलगाड़ी निकाल, आराम से, आराम से। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, जा अलमारी में तेल रखा हुआ वो लेकर आ जा। मामा इनका ख्याल रखना। ये क्या जीजा, बिना चप्पल के क्यों घूमते हो? अरे नहीं है तो मैं चप्पल बनाकर देता हूँ ना, ये क्या पागलपन है? हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो? अगर आपको कुछ हो गया होता तो गांव वाले क्या करते? आप देख कर क्यों नहीं चलते हो? क्या हुआ रे? और मोगन भैया को बिच्छू ने डंग मारा। हाँ? अरे अब कैसा लग रहा है? पहले से ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे नंदू तो तेल लगा रहा है। अरे अरुमुगन भैया को बिच्छू ने डंग मारा, क्या कह रहा है? अरे शादी में जाना था। बात सुनो भैया, आपको आराम की जरूरत है, लेटे रहो आप। अरुमुगन भैया तुम्हारे साथ क्या हो गया? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है परम शिवम, तुझे तो बेटी की शादी में रहना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे बेटी की शादी कर दूं? लेकिन क्योंकि तुम तो आए नहीं, तो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए
मैं इन सबको तुम्हारे सामने ले आया हूँ। अरे पंडित जी जल्दी शादी करना। कल्याण वस्तु मंगलम मंगलम ये चावल परसा कर बच्चों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, पैर छू, पैर छू, पैर छू। सदा सुखी रहो, सुखी रहो। तुम्हारे पापा ने इतने सारे लोगों का प्यार कैसे जीता? अपनी जमीन बेच के। बाबा जमीन के साथ भी राजा थे और उसके बिना भी राजा ही हैं। इस गांव में पानी की टंकी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ जीजा ने बनवाया है, यहाँ तक की टॉयलेट भी। अरे वाह, ये सब आप लोगों ने खुद किया है? इस गांव का कोई एमएलए नहीं है? है ना, लेकिन उसका होना ना होना एक बराबर है। अच्छा, आओ वो देखो। गांव वालों का मानना है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से शादी जल्दी होती है। अब तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाएगी। अरे मैंने अपने लिए नहीं, दीदी के लिए प्रार्थना की। अरे प्रार्थना ट्रांसफर नहीं होती है। प्रार्थना नहीं भी करोगे तो भी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा बेटी, तुम ये सब मानती हो? हाँ, आप नहीं मानते अंकल? वो पुजारी गोल टीका लगाता है तो लगा लेता हूँ, बशीर की नमाज भी सुन लेता हूँ। बेटा धर्म इंसान के दिल में होता है, सारे धर्म एक हैं। तो क्या आप कभी पूजा नहीं करते? करता हूँ, लेकिन मेरे लिए पूजा का मतलब है पक्षियों को दाना देना, गाय को चारा खिलाना और सबकी मदद करना। अब बताओ इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? बोलो बेटी। बस कर बेटा, इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, अभी भी मैं एक घंटे तक नाच सकता हूँ बिना किसी पैर दर्द और थकावट के। लेट जाता है। आप बाकी सबका तो बहुत ख्याल रखते हैं पर अपनी तबीयत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। नंदू, तू मुझसे गुस्सा तो नहीं होगा ना बेटा? गुस्सा और आपसे कभी नहीं। तेरे हिस्से की दौलत भी मैं सब पर लुटाता जा रहा हूँ इसलिए। अरे ये दौलत क्या आपसे बढ़कर है बाबा? मैं जानता था बेटा तू ऐसा ही कहेगा। ये सब मिलकर तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहते थे। दुआ माँ। नंदू ये देखो कैसी है। सुंदर है। आप सब लोग इतनी तकलीफ में हैं तो इसकी क्या जरूरत थी? जब तक अरमुगम भाई साहब है हमें क्या तकलीफ हो सकती है? अगर सरकार भी हम बुनाई करने वालों से नजर फेर ले तो क्या हुआ? अरमुगम भैया है ना, इनके रहते हम परेशान क्यों हो? आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया मैं कभी नहीं भूलूंगी। गाँव के मेहमान का सत्कार करने में हमें बहुत खुशी मिलती है ना बेटा? बिल्कुल सही। मैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ जो बांटने पर भी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। मैं चलती हूँ अंकल, चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। सर बाहर मत निकालना, अपना हाथ भी अंदर ही रखना और पहुँचते मुझे फोन कर देना। अरे तू तो चिल्ला क्यों रहे हो? बाहर से मोबाइल ला रहा है। चल जा, बैठ जा। बाबा सेहत का ध्यान रखना। जा बेटा, वहाँ पहुँच के फोन करना। याद रखना। बस चली गई क्या? हाँ चली गई। अरे नंदू को ये लड्डू देने थे। लाओ तो। अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है राजेश की शादी हो गई? हाँ, ये किसने बोला? ए, अंकल। क्या हुआ? अम्मा ने तेरे लिए मिठाई भेजी है बेटा। ऐसा कोई करता है क्या? इतनी सी बात के लिए इतनी दूर साइकिल चला गया है? नहीं बेटा, वो तू मुझसे दूर जा रहा है ना तो मन थोड़ा उदास हो गया मेरा, इसलिए
तुझे एक बार और देखना चाहता था। तो फिर एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए। कैसी बातें कर रहा है, गांव छोड़ दूं? अरुमुगम भैया आप भी आ रहे हो क्या? जा जा बेटा, वो बीच में बस रुकाने के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ बेटा जाओ। संभल हाँ। के जाना। हाँ। अरे अरे रुको रुको, एक मिनट, बस रोको रोको भाई, बस रोको अरे रुको। अब क्या हुआ? एक बार नीचे आएगा? यहीं से बोलिए ना। तू नीचे आ फिर बताऊंगा, तुम यहीं बैठो। बोलिए क्या हुआ? इस लड़की से प्यार करता है ना? अरे बाबा मैं वो तो कह देना उसे, आई लव यू बोल दे उसको। सुन देर मत कर, तेरी माँ को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। जल्दी आ जाओ नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है कंडक्टर साहब, अब नौकरी नहीं जाएगी। आप बाय बाय अंकल, दोबारा नहीं रोकूंगा मैं। बाय। हाँ क्यों कह रहे थे अंकल? बाद में बताऊंगा। ये अरुमुगम का घर कहाँ है? यहाँ से सीधे चले जाओ, मंदिर आएगा तो किसी से भी पूछ लेना। तुम्हारा बेटा किस्मत वाला है अरुणा, बहुत अच्छी लड़की मिली है उससे। भैया कोई कार वाला आया है आपसे मिलने। कौन है भाई? अरुमुगम, पहचाना मुझे? मैं हूँ श्रीधर। अरुणा ने तुम्हारे हाथ में एक बच्चा सौंपा था ना, वो मेरा बेटा है, मेरा। अरुणा मेरे बच्चे की मां बन गई है, मैं नहीं जानता था। अरुणा भी नहीं जानती थी कि उसे कोई धोखा देने वाला है, पागल थी वो। अमेरिका जाने के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि मुझे दूसरी से शादी करनी पड़ी। पता है, एक गलती अनजाने में की और दूसरी जानबूझकर। अब क्या लेने आए हो यहाँ? बेचारी अरुणा, उसे बहुत तकलीफ हुई होगी और वो पाप मेरे लिए श्राप बन गया। बे औलाद हूं मैं। कुछ वक्त पहले मेरी बीवी कैंसर से चल बसी, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो देखा कि सब कुछ खो दिया मैंने। अब जाके तुम्हें इन सब की याद आई है? बहुत प्यार उमड़ रहा है। मेरे इंडिया छोड़ने के बाद ही अरुणा प्रेग्नेंट हुई थी और उसने वो बच्चा तुम्हें दिया है। कुछ ही वक्त पहले मुझे पता चला। बहुत उम्मीदों के साथ मैंने तुम्हें ढूंढा है। अरे तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो सदमे में ही रही। नंदू को जन्म देते ही चल बसी। Then what about my son? पता नहीं। अरुमुगम, अब वो एक करोड़पति है, मेरा बेटा कहाँ है बता दो। मैंने माँ बेटे के साथ बहुत अन्याय किया है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, वो कहां है बता दो प्लीज अरुमुगम। तुम पर तो दया आ रही है मुझे, एक करोड़पति होकर भी मेरे सामने भीख मांग रहे हो तुम। कभी मैं अरुणा को अपने दिल में रखकर उससे प्यार करता था और आज मैं उसकी फोटो की पूजा करता हूं। तुम्हारा बेटा कहां है, किस हाल में है, मैं कुछ नहीं जानता, भगवान ही जाने। मैंने करोड़ों रुपए कमाए लेकिन औलाद नहीं, मेरा अपना कोई नहीं है और यही मेरी सजा है। चलता हूं मैं। अरुणा माफ कर दो, मैंने झूठ बोला, लेकिन वो मेरा बेटा है, अपने
नंदू को खोने के डर में मैंने उसके अपने बाप से ही झूठ बोल दिया, जो कि गलत है। गलत है ना? गलत है। नंदू की किस्मत घर चलकर आई और मैं बीच में आ गया। गलत है, बहुत गलत है। तुम नहीं बताती तो मैं समझ ही नहीं पाता। अरुणा, नंदू करोड़पति है, अच्छा इंसान है। अभी जाकर मैं उसके बाप को सच बता देता हूं। हाँ अरुणा, मैं सच बताऊंगा। मुझे माफ कर दो। और फाइनली वो पकड़ा गया। मुझे पता था वो पकड़ा जाएगा। उसकी कॉमेडी वैसे भी किसी काम की नहीं है। अरे शिवा, ये कैंटीन का सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, आज से तुम्हारा, मेरा और इस कैंटीन का रिश्ता खत्म हो रहा है पद्दू। क्यों, कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया क्या? हाँ सर, इस कैंटीन के लिए जो बैंक से लोन लिया था वो सारा बीवी के ऑपरेशन में खर्च हो गया। मैं कैंटीन भी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ और ये बैंक वाले घर पर नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। कितने पैसे चाहिए? कर्जा चुकाने के लिए 50,000 कम है पद्दू। तो क्या तुम उसके लिए कैंटीन बंद कर दोगे? राममूर्ति, हाँ? तुम एक हफ्ते में सिगरेट पे कितना पैसा खर्च करते हो? कोई और दे रहा तो 6 पैकेट, खुद से लिया तो आधा। अरे मैं सीरियस हूँ यार। 400। तो एक हफ्ते के लिए सिगरेट छोड़कर जो पैसा बचेगा वो इसे दे दो। हाँ। नीला, तुम इस महीने नई साड़ी मत खरीदना। सुधा, हाँ मैं गुटखा छोड़ दूंगा। यदि हम अपनी बुरी आदतें छोड़ दें तो हम अपने परिवार को परेशानियों से बचा सकते हैं। पद्दू, तुम क्या छोड़ोगी, कंजूसी? शिवा, मेरी इस महीने की सैलरी तुम्हारी। पद्दू का आइडिया बहुत अच्छा है, हम सबको उसका साथ देना ही चाहिए। गुड पद्दू। पद्दू, तुम हर महीने मुझे बोलती थी कि मैं इस कैंटीन को बंद कर दूं, और आज जब मेरा कैंटीन बंद हो रहा है तो तुमने आके मुझे और मेरे कैंटीन को बचा लिया। भगवान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दे पद्दू, तुम बहुत महान हो। पक्षियों के लिए थोड़ा दाना, गाय के लिए थोड़ा सा चारा, और इंसानों की थोड़ी सी मदद, यही तो असली पूजा है। हाय पद्दू। हाँ? अरे ये क्या, अकेले काम क्यों कर रही हो, मुझसे बोल देती। तुम्हें पता है ना कितने अच्छे कपड़े तय करता हूँ, मेरे तय किए कपड़े को प्रेस भी नहीं करना पड़ता। ये आज तक तय नहीं किया। पहले कभी तय नहीं किया तो क्या हुआ, सीख जाऊंगा। लव दो। हर चीज सीखने के लिए नहीं होती है। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, फर्स्ट टाइम है ना, सीख जाऊंगा। लव दो ना। अरे मैंने कहा ना नहीं, अपनी सोशल सर्विस दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए। जब साड़ी पहन रही थी तो जबरदस्ती मदद मांगी। हाँ। आज खुद से मदद करने आ रहा हूँ तो चिढ़ रही है, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। चेहरे की चमक थोड़ी कम हो गई है, साबुन बदलना पड़ेगा। अरे अंकल, इसे पकड़ो। हाँ ठीक है। नंदू अंदर कमरे में है। हाँ। लाइए मुझे। कोई बात नहीं बेटा, मैं उठा लूँगा। चपक चपक नंदू। चोड़ के इसे भी डाल। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे? इसमें क्या नया है, तुम पक्का कुछ भूल गए होगे और ये देने आए होंगे। इस बार ये नहीं भूला बेटी, इसका बाप भूल गया था ये। मजाक की भी हद होती है बाबा, कौन है ये बेटा? एक मिनट अंकल, जवाब दीजिए। तुझे मेरे हाथों सौंप कर तेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैंने तुझे पाला जरूर है लेकिन जन्म नहीं दिया है, ये तेरा असली बाप है। हाँ बेटा। मैं ये नहीं मान सकता। मेरे कहने पर दीवार पर लटकी फोटो को तूने अपनी माँ मान लिया, और आज मैं कह रहा हूं कि ये करोड़पति तेरा बाप है तो तू नहीं मानेगा? क्या अब मुझ पर से तेरा विश्वास उठ गया है बेटा? बेटा, जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत, आज से सब कुछ तेरा है, मेरे साथ चल बेटा। बाबा। आज मेरी समझ में आया कि असली दौलत क्या होती है। मुझे फिर से अपने मुंह से एक बार बाबा कहना।
बाबा अंदर आइए ना, कुछ पियेंगे आप, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? नो थैंक्स माय सन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ अमेरिका चल। इस तरह सब कुछ अचानक छोड़कर जाना क्या है यहाँ पर? 25 साल का कर्ज। कर्ज? कैसा कर्ज? जिसे चुकाए बिना नहीं जा सकता। अरे कोई बात नहीं यार, मैं अपनी बाइक छुड़वा लूंगा, तूने जो मेरी फेवरेट बनियान पहनी है ना वो भी मत देना मुझे। चाहे तुम पर कितना भी कर्ज हो, एक दिन में मैं सब चुका दूंगा, जस्ट वन डे मैं पैसे दूंगा, फिर तो चलोगे ना? तब तो साथ चलूंगा। गुड, कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, अभी चलते हैं। कल सुबह चले जाएंगे बाबा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम दोनों अपने गेस्ट हाउस चलेंगे। ओके ठीक है, ओके। नंदू का बाप तो बहुत अमीर निकला। क्या बात कर रहा है? हाँ। क्या तुम उससे मिले? उसी ने मेरे 5,000 वापस दिए। अमाउंट कितना? इंटरेस्ट के साथ 36,000। ये लो, ये लो बाइक की चाबी, बाहर खड़ी है, चेक कर लो। ओ बाइक साफ करके जाना, आखिर इंटरेस्ट जो दे रहा है, चाबी को दे रहा है, तू नहीं आ रहा क्या साथ में? क्या हो गया? आता हूँ तुझे। ठीक है। So what else can I do for you my son? Tell me। एक और लेनदार है, उसका अमाउंट थोड़ा बड़ा है, इस इलाके के भाई से मैंने 5,00,000 रुपए लिए थे, वही मेरा आखिरी लेनदार है। बस इतनी सी बात है, नो प्रॉब्लम। सो टुमारो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर माई सन्स वीसा, ओके? आई एम सो हैप्पी। पद्दू? हाय। नंदू तो बिग शॉट निकला, तुम्हारे घर में रहता है ना? तुम्हारी तो वाकई में किस्मत चमक गई, बहुत लकी हो तुम। कैसे हो भाई? हाँ ठीक हूँ, क्या बात है, कौन है ये? ये आई एम श्रीधर, नंदूस फादर, इसने जो उधार लिया था वो चुकाने आया हूँ। ये तेरा बाप है, ये तो काफी अमीर लगता है, फिर मुझसे पैसे क्यों लिए? मुझे खुद कल पता चला, अब ये मुझे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाना चाहते हैं। पर ये बहुत लेट हो गए हैं। हाँ भाई, पूरे 24 साल लेट है। और तू 24 घंटे लेट है, तुझे पता है ना कि मैं वसूली के मामले में कितना पक्का हूँ, तेरा टाइम कल खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा होगा ना? क्या बे, एग्रीमेंट के बारे में बाप को नहीं बताया? मैं बताऊं तूने क्या गिरवी रखा है? हाँ बेटा बताओ मुझे। आंखें और दिल, इसने स्टैम्प पेपर पर मुझे लिख कर दिया है। व्हाट? आंखें और दिल? आर यू किडिंग, व्हाट नॉनसेंस। अच्छा इंडिया में ये सब भी गिरवी रखते हैं? लुक, कोर्ट इसे खारिज कर देगा, ऐसे एग्रीमेंट के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। बाबा शांत हो जाइए। क्या रे नंदू, तेरा बाप ज्यादा गर्म हो रहा है, थोड़ा समझा इसको, अगर तू अपनी जुबान से मुकरा तो तू मेरे बारे में जानता है ना? ये तूने कैसे आदमी से उधार लिया है बेटा, जिंदा इंसान की आंखें और दिल मांग रहा है, ये सब कौन बर्दाश्त करेगा? अबे मैंने कुछ नहीं मांगा, ये खुद ही बोला कि देगा। कोरे नंदू, अब तू अपनी जुबान से मुकर रहा है? मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं रहा हूँ भाई, मुझे पता ही नहीं था कि मैं लेट हो चुका हूँ, सॉरी। लुक, कितना पैसा चाहिए बोलो, 10 लाख 20 लाख बोलो। अपने बेटे के दिल की कीमत लगा रहा है। ओके फाइन, तुम ही बताओ कितना पैसा चाहिए, मैं अभी दूंगा, राइट नाउ। मुझे सिर्फ नंदू का दिल चाहिए। Hey! बाबा, कंट्रोल, प्लीज। गो टू हेल, कल मैं नंदू को अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है, चल। मैं रोकूंगा तुझे। इडियट, डोंट वरी नंदू, वो कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। पसीना पोछ लीजिए। थैंक यू। सब मेरी माँ की गलती है, किसी अमीर आदमी से शादी कर लेती, लेकिन शादी की तो मेरे बाप से, क्या फूटी किस्मत है। अरे पद्दू इतनी जल्दी क्यों जा रही है? अरे पद्दू क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है, घर जा रही हूँ। ओ आप जा रहे हैं अंकल? हाँ बेटा। नंदू बदल जाएगा ये सोचा नहीं था,
लेकिन बदल गया। तो क्या पैसे के लिए वो आपको छोड़कर चला जाएगा? मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन प्यार ही सब कुछ है। ये एहसास दिलाने वाला नंदू ऐसे बदल जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। देखो बेटी, नंदू को मैंने एक ही चीज सिखाई है, प्यार करना। मेरे नंदू को नफरत और धोखा नहीं आता। आप उससे प्यार करते हैं, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। उसका असली बाप तो उसे छोड़कर चला गया था, पर आपने उसे पाला, वो आपको छोड़कर चला गया, ये गलत नहीं? क्या गलत और क्या सही, मैं क्या कहूँ? नंदू के अलावा इस दुनिया में आपका और कौन है अंकल? नंदू के लिए तो मैं ही उसकी दुनिया था, और अब देखो तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मेरे लिए ये सारे दुनिया वाले ही सब कुछ है। अंकल, अंकल आप प्लीज चुप हो जाइए, मैं आपका दर्द समझती हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए नंदू के लिए। नंदू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, पता है, करोड़पति हो गया है, करोड़पति। बस एक बार नंदू को देख लूं, फिर चला जाऊंगा मैं। Are you sure you won't have? No, thanks. If not scotch, beer chalegi? No, I'm Arre, fine. Arumugam, aao, aao. How are you? Aao, baitho. Kuch kehna hai kya? Kuch nahi, beta. Jaane se pehle tujhe dekhna chahta tha. Dekh liya na. Ab jao yahan se. Aise kyon baat kar rahe ho, Nandu? Jab tak hum log jaate nahi, Arumugam hamare saath rahenge, theek hai? हम नहीं श्रीधर सर, सिर्फ आप जाएंगे। ये क्या कह रहे हो नंदू? आप मेरी माँ के एक दिन के पति बने तो मैं पैदा हुआ, इसलिए आपको भी एक दिन की खुशी देने के लिए मैंने आपको बापा बुलाया। बचपन से आपने मुझ पर कुछ भी खर्च नहीं किया, इसलिए मैंने आपसे अपने सारे कर्जे का पैसा भरवाया। हमारा ऐसा बराबर हुआ, आप जा सकते हैं। अरे ये कैसी बातें कर रहा, ये तेरे पापा है अमेरिका से। और आप कौन है? कल से आज तक मुझे देखने भी नहीं आए, 24 साल तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया आपने, और अब 24 साल बाद यहाँ पर अचानक कोई आता है और कहता है कि वो मेरा बाप है, और कहता है कि मैं उसका खून हूँ। आप मुझे इस तरह किसी के भी हाथ में सौंप देंगे बाबा? और क्यों? क्योंकि वो अमीर है, इसलिए इनके साथ मैं रहूंगा तो ज्यादा खुश रहूंगा। क्यों बाबा? माना इनकी दौलत की बहुत कीमत है, पर मेरे लिए बाबा आपके संस्कार सबसे ज्यादा कीमती है, मैं उन्हीं के साथ खुश रह सकता हूं। श्रीधर सर, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, संस्कार से बनते हैं, और बाबा के संस्कार मेरे लिए दौलत के बराबर है, इसलिए मेरे पास बहुत दौलत है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, पर आपकी हो सकती है। मेरे लिए हमेशा आप ही सब कुछ रहेंगे बाबा। I'm proud of you my son, I'll miss you. मुझे कभी छोड़कर मत जाना बाबा, कभी नहीं। क्या रे नंदू, तेरा बाप करोड़पति है, उसने बुलाया और तू गया नहीं? भास्कर सर, क्या आप चंद रुपयों के लिए किसी अनजान आदमी को अपना बाप बोलने लगेंगे? जाना चाहिए। तुमने तो अपने सौतेले बाप को नहीं छोड़ा, और आज के बच्चे पैसों के लिए जन्म देने वाले अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। करोड़ों में कितने जीरो होते पता है? लाओ दो। कल को तुम्हारा बच्चा पैसों के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाएगा तो कैसा लगेगा? तुमने सही कहा बेटा। अरे दे 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 दे, क्या कर रहा बेटा? सुसु कर दिया, बहुत अच्छे बेटा। अरे नंदू, इसके सुसु करने का मतलब है तेरी शादी जल्दी होने वाली है। हाँ तो आइए ना, आप भी इसे गोद में ले लीजिए, आपकी भी शादी हो जाएगी। अरे अच्छा लगेगा, हम दोनों की शादी एक ही मंडप में होगी तो। लाओ मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ
कपड़े सुखाने के लिए मुझे से मिन्नतें करनी पड़ती हैं और आज खुद कह रही है कि मैं धो देती हूँ। क्या बात है बेटा, तुम जाकर पूड़ियाँ तलो। तेल में तलूं या पानी में तलूं? नंदू शर्ट दो। नहीं नहीं मैं कर लूंगा। अरे दो ना। ए तेरे बाबा सही थे कि तेरी शादी जल्दी होने वाली है। अरे सुनना। ए अरे आराम से चला, गाड़ी छूटने में 2 घंटे बाकी है अभी। बैलगाड़ी की स्पीड पे चलाऊंगा ना तो 2 घंटे यही ट्रैफिक में अटके रहेंगे। जहाँ पकड़नी होती है वहाँ स्पीड नहीं पकड़ता। अब बिना देरी किए जल्दी से पद्दू को आई लव यू बोल दे। बाबा आजकल की लड़कियों को पैसे वाले लड़के चाहिए होते हैं, मैं पैसे वाला थोड़ी हूँ। किस चीज की कमी है? पद्दू बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे दौलत वौलत नहीं चाहिए, उसे तेरा स्वभाव पसंद है। मेरी बात मान और उसे जल्दी से आई लव यू बोल दे, फिर जल्दी तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। जल्दी बोलूंगा। क्या हुआ? तुमने कहा था तुम कुछ बताने वाले हो, तो बताओ ना क्या बात है। वो मैं बोलता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। 2 आइसक्रीम्स। बस इतना ही? एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और एक वनीला, और प्लीज थोड़ा जल्दी लाना। ओके ओके मैडम। वो उधर है क्या? रेस्ट रूम। हाँ वन सेकेंड। शह मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। हाँ तुम्हारी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सर, ये वही 25 साल पुरानी शर्ट है। तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ मुझसे नहीं तो किससे बात कर रहे हो? क्या आदमी है। I love you. लेकिन सर मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। अरे बाबा मैं भी वैसा आदमी नहीं हूँ। छी चलो बदू चलते हैं। आइसक्रीम तो खाओ। आइसक्रीम छोड़ो, अर्जेंट काम है, सूर्य हॉस्पिटल पहुँचना है। कुछ बताओगे क्या हुआ? अरे बताता हूँ चलो। डॉक्टर कमला के रिलेटिव आ गए हैं। एक्सक्यूज मी यहाँ बैठिए। बैठो बदू। क्या हुआ सर? डॉक्टर बच्चा गिराने के लिए जहर खाने की वजह से इसकी जान खतरे में है, अबॉर्शन नहीं किया तो हालत और बिगड़ जाएगी। तो कीजिए, किसका इंतजार है? उसके फादर के या हस्बैंड के सिग्नेचर चाहिए। साइन करो। कहाँ साइन करना है? यहाँ। नो। बस ये लो। आराम से। क्या हुआ? जो पिछले महीने हुआ था उसका नतीजा। हा? आपने उस अमीर लड़के के लिए मुझे डांटा था जिसके साथ आपकी बेटी घूम रही थी। हाँ तो अगर आपने मेरी जगह अपनी बेटी को डांटा होता ना तो आज ये प्रेग्नेंट नहीं होती और ना ही मुझे इसका बाप बनके इसका अबॉर्शन कराना पड़ता। ये क्या कर दिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत? रुकिए। पैसों के लालच में अपनी बेटी का कहीं भी रिश्ता करा देना ये सोच गलत है, सुधरना आपको है। मैंने दोनों पे भरोसा करके आजादी दी थी। आजादी का मतलब मनमानी करना नहीं, हर एक कदम जिम्मेदारी से उठाना होता है। इतना सब कुछ हो गया और अपने बाप को बताने की बजाय एक अनजाना आदमी को बता दिया तूने। अपनी बेटी की इस हरकत को भी देखकर आप समझे नहीं कैसे आप पर भरोसा ही नहीं है। इस लड़की को देखिए, घर में कोई आदमी नहीं है, ये लड़की अकेली एक आदमी की तरह पूरा घर चला रही है। इस उम्र में इसकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें होंगी लेकिन ये उन पर खर्चा नहीं करती। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की जगह एक एक पैसा बचाकर अपने परिवार का ख्याल रखती है, इसीलिए मैं दिल से इसकी इज्जत करता हूँ। देखो गलतियां हर किसी से होती हैं, पर सुसाइड करना किसी चीज का हल नहीं होता, मायूसी बीमारी है, इसलिए हिम्मत से काम लेना। ठीक है भैया, हम तुम्हारा ये एहसान। नहीं नहीं, जो कुछ हुआ उसे मैं भी भूल जाऊंगा। चलो बद्दू। नंदू मेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, एक बाप की तरह मेरी बेटी को घर लेकर आए, छोटे होकर भी तुमने बड़प्पन दिखाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ। अरे क्या कर रहे? पैर पड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बस अपने परिवार का ख्याल रखिए, चलता हूँ। बाबा कह रहे थे यार कि पद्दू को जल्दी प्रपोज कर दो। वैसे भी तुम लोग हर वक्त साथ में तो रहते हो, बोल क्यों नहीं देता? ज्यादा सोच मत यार, दिल की बात कहने के लिए वैसा माहौल वैसा वक्त होना चाहिए। कैसे जंगैया, हाल चाल ठीक है? नंदू
सिगरेट दिल के लिए हानिकारक है, पता नहीं है तुझे? लेकिन ये तो सिगरेट नहीं पीता है। ऐसे सिगरेट पीने वालों से भी दूर रहे, समझा? ओ, ओ, मेरी मत कर, ये लो फेंक दिया। नंदू, तुम यहाँ हो? हाँ, यही गर्लफ्रेंड है क्या? क्या प्यार का चक्कर है क्या? लड़कियां दिल तोड़ देती हैं, प्यार भी दिल के लिए हानिकारक है, दूर रहे इससे। देखा, मैंने कितनी बार कहा था ये बहुत खतरनाक है, क्यों नहीं सुना? अच्छा हुआ तूने अपनी नाक गिर भी नहीं रखी, वरना वो खंजा तुझे सांस भी लेने नहीं देता। चाय भी होगी? अन्ना दो चाय दे। मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा है क्या, नंदू भी तुमसे कुछ कहना चाहता है? बोलना बोलना। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात है। नहीं, तुम पहले बोलो। पद्दू पहले तुम बोलो ना। नहीं नहीं, पहले तुम बोलो। लेडीज फर्स्ट, ओके? अरे कोई तो बोलो। ठीक है, मैं बोलती हूँ। अमेरिका से मेरे मामा आ रहे हैं। मामा आ रहे हैं? दीदी के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। यस। शादी दीदी के? नंदू तुम क्यों खुश हो रहे हो इतना? वो उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, शादी किसी के भी हो खुश यही होता है। मेरे मामा और उनके रिश्तेदार अमेरिका से आ रहे हैं, आते ही सगाई होगी और फिर शादी हो जाएगी। मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही है। बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, तुम लोग शादी की तैयारी करने में मेरी मदद करोगे प्लीज? फिकर मत करो, शादी के सारे काम सब कुछ हम करेंगे। तुम्हारे घर की शादी मेरे घर की शादी है, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है पद्दू। लेकिन तुम खर्चा तो करोगी ना? ए, ये क्या बकवास कर रहा है, हमेशा पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्या कहा? तुम्हारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है? शाम को शॉपिंग पे जाना है, लिस्ट तैयार करनी है। सीता की शादी होते ही तेरा रास्ता क्लियर है भाई। यस। तुम अकेले ही तीन बेटियों को पालते हुए घर भी चला रही हो। मेरी तारीफ मत करो भैया, पद्दू ही बेटे की तरह सब कुछ संभाल रही है। यस यस, बचपन से हमारी पद्दू बहुत सयानी है। डू यू वॉन्ट टू हैव कॉफी और कोल्ड ड्रिंक ब्रदर इन लॉ? व्हाट, ब्रदर इन लॉ? यू मीन मामा? नो थैंक्स, मैं चाहता हूँ तुम रहने दो। आपने ये देखा ना, मुझे दे दो ना। मेरे तुमसे रखो। अरे दो ना। अरे कोई बात नहीं, मैं से उठा लूंगा, तुम जाओ। मैं कह रहा हूं, जाओ। एक मिनट इधर आओ, ये लड़का कौन है? ये नंदू और पद्दू दीदी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऊपर वाले कमरे में किराए पे रहता है। ओ, पद्दू का बॉयफ्रेंड है, स्मार्ट है ना? बहुत ही अच्छा है। पद्दू, बचपन से काफी बदल गई हो तुम। यू लुक स्टनिंग। मेरा मतलब तुम अमेरिका में रहती ना तो गोरे पागल हो जाते, बस उनका फ्यूज उड़ जाता। अच्छा? हाँ? दीदी तुम्हारा वेट कर रही हैं, तुम उससे मिले। सब लोग यही कहते हैं, भैया आपका बेटा आ गया। डैड। यस माय सन। आई जस्ट मेट पद्दू। आई मेट हर टू। आई वांट टू मैरी हर, शी इज गॉर्जियस। I can't get over how gorgeous she is. Sita Lakshmi, I can't even think about her. ये क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? ठीक कहा आपने, मैं बिल्कुल पागल। इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है ना भैया? क्या कहा इसने? इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो अच्छा नहीं है। बता दो। समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। बताइए ना भैया। फ्लाइट में उसने तीन बार सीट चेंज की। हाँ। इंजीनियरिंग के तीन साल खत्म होने के बाद चौथे साल में ये बोला कि अब उसे डॉक्टर बनना है। अभी ये क्या बोल के गया? अभी क्या बोल रहा है? अभी अभी पद्दू से मिला हूँ, अब सीता लक्ष्मी नहीं चाहिए, पद्दू से शादी करूंगा मैं। पद्दू की खूबसूरती देखकर मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। मामा, आई कांट वेट टू मैरी हर, शी इज सो गॉर्जियस। सीता लक्ष्मी, आई मीन शी इज नॉट दैट मच। कोई बात नहीं, सीता लक्ष्मी हो या पद्दू हो, दोनों ही मेरी भांजियां हैं, किसी से भी शादी कर ले। बोला था आई लव यू, बोल दे उसे। बोलूंगा करके टालता रहा, अब क्या करेगा वो, अमरीकी उसे उड़ा के ले जाएगा। अब तू एक काम करना, धूमधाम से उसकी विदाई भी करवा दे, बस यही तो बाकी रह गया। शे, उसकी इंग्लिश सुनकर मेरे पेट में दर्द होने लगा। दीदी, पद्दू, वो लड़का तो मुझसे सगाई करने आया था। कोई बात नहीं पद्दू, उसने कहा कि वो तुझसे शादी करेगा। तू तो मेरी बहन है, कोई बात नहीं, तू शादी कर ले, मुझे
मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मेरी जीन्स, टी-शर्ट, मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सब कुछ। अरे तुझे इस सब की क्या जरूरत है? इसीलिए मामा तुझे पसंद करते हैं, वो भी पसंद करता है। कोई बात नहीं पद्दू। दीदी प्लीज दीदी। अच्छा हुआ कि मैं उसके सामने नहीं गई, नहीं तो कहता कि मुझसे ही शादी करेगा। ए, चुप कर तू। अगर लड़की की हाँ हो तो शादी करा सकते हैं, लेकिन अगर उसने ना कह दिया फिर भी शादी करानी पड़ेगी, नहीं तो मामा को बुरा लग जाएगा। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारे पापा ने खुदकुशी कर ली और हमें अकेला छोड़ के चले गए। हमारा घर नीलाम होने वाला था, तब तुम्हारे मामा ने ही मदद की थी, हमें सड़क पर आने से बचाया उन्होंने। ये मैं कभी नहीं भूल सकती बेटा, हम लोगों पर उनके बहुत एहसान है। अगर पैसे ही चाहिए तो नंदू ले आएगा ना। वो कहाँ से लेकर आएगा, उसे अपने आप को बेचना पड़ेगा। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, दीदी की शादी ना हम नंदू से ही करवा देते हैं। लक्ष्मी दीदी, अमेरिका वाला दूल्हा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप शादी नंदू से कर लो। दीदी के अमेरिका जाते ही आप, मैं और नंदू बहुत खुश रहेंगे। मुंह बंद कर। उसे दीदी से शादी नहीं करनी है, मैं समझती हूँ, लेकिन उसे मुझसे शादी करनी है, ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ माँ? पद्दू, तू शादी के लिए ना कहेगी तो दोनों परिवारों में दरार आ जाएगी बेटा। सीता लक्ष्मी के लिए तो हमें जरूर कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, जरूर मिलेगा बेटा। क्यों, नंदू है तो? ए, तू बीच में मत पड़। ठीक है जाने दो, 4 साल बाद मैं ही शादी कर लूंगी नंदू से। मुंह तोड़ दूंगी तेरा जब देखो बकवास करती है। क्या लोगी तुम? कॉफी पियूंगी। कॉफी? व्हाई, तुम वाइन नहीं लोगी? नहीं। ये एंजेड गर्ल्स ना पीछे के पीछे रहेंगे। वन कॉफी, वन बियर। ओके। कॉफी गर्म होना चाहिए एंड बियर शुड बी चिल। यस सर। और इन दोनों की अदला बदली हुई तो प्रॉब्लम है। गो गो। ओके सर। देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। यू इंडियन गर्ल्स आर लाइक दिस। बहुत सोचती हो तुम। तुम लोग नहीं सोचते क्या? हम लोग इतना नहीं सोचते। पद्दू, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ? ओ, शॉक लगा दिया, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा। एक है। एक है, I like it. नाम क्या है? जरूरी है क्या? अगर तुम बोलना नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। शादी के पहले डिंग डोंग के बारे में क्या ओपिनियन है? फिर से शॉक दे दिया, मैं जानता हूँ इंडियन गर्ल्स क्या जवाब देगी। हेलो हेलो हेलो, ओपिनियन देने में ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी से पहले सेक्स करने में प्रॉब्लम क्या है? शॉक लगा क्या? अद्दू, अब तुमसे जो पूछेगा यस और नो में आंसर करना। आर यू वर्जिन? तीसरा शॉक दे दिया ना, आंसर देना चाहो तो ही देना। No. What? I'm not a virgin. तुम्हें शौक लगा क्या? मुझे सच बोलना चाहिए ना? I like it. I like your frankness. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I thought Indian girls backward hain. I was so wrong. Next Sunday, hamara engagement hai. Waiter, champagne. Tumne usse jhoot kaha hi kyun? Haan Nandu, bina kisi sharm ke bol diya. Maine behijak ye bol diya. मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऐसे कहने पर वो मुझे छोड़कर दीदी से शादी कर लेगा, लेकिन वो बोला I like it। तो अब क्या करोगी तुम? मैंने बहुत सोचा इस बारे में,
नंदू, इसका सिर्फ एक ही सलूशन है। कैसा सलूशन? तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी, खैर छोड़ो। बताओ तो क्या करना है। एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में ना तुम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बस एक्टिंग करनी है तुम्हें। इसमें तुम्हें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेरे लिए प्लीज हाँ बोल दो। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो मेरी बहन के लिए। प्लीज हाँ बोल दो। नंदू, इसमें एक लॉजिक है। जब मैंने उसे कहा कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर उसकी आंखों के सामने हम खूब चिपक कर घूमेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता वो ये बर्दाश्त कर पाएगा। शायद तब वो मुझे छोड़कर दीदी से शादी कर ले। नंदू, मेरी दीदी की लाइफ के लिए इतना कर दो ना प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ नहीं, पैर पड़ती हूँ नंदू। वो उसके हाथ ही है, टेंशन में उसके बॉडी पार्ट्स को मत बदलो तुम। मेरा भाई एक्टर है, कैरेक्टर में बहुत अच्छे से घुस जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ अभी। सच में नंदू? हाँ पद्दू। यू आर सो स्वीट नंदू, थैंक यू। कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या यार, तूने अपने बाप के लिए एक दिन के बेटे की एक्टिंग की थी, और आज जिस लड़की से तू प्यार करता है उसके लवर की एक्टिंग करेगा। कैसी जिंदगी है तेरी। आपका हार्ट डैमेज हो चुका है, ट्रांसप्लांटेशन, अब उसी से आपकी जान बच सकती है। जितनी जल्दी हो सके करा लीजिए, वरना आपका बचना बहुत मुश्किल है। कितने सालों बाद मिले? अरे कुछ ही दिन पहले तो मिले थे हम, जब मैं अमेरिका अपनी उंगली का ऑपरेशन करवाने आया था। याद है। अच्छी बात। एमएलए बनने के बाद से तो आप इंडिया में कम और अमेरिका में ज्यादा रहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। ए जी, ये लड़का बहुत ही हैंडसम लग रहा है, हम इसे गोद ले लें? इसे गोद लोगी? मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? क्या सर, बैग की बात करो तो फिर उठा ले। दीजिए मुझे। अंदर तो चलिए, अपना ही घर है। ये मेरी बहन है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये होने वाली बहू है ना? ये मेरी बड़ी बेटी। उसके आते ही चिल्लाकर आई लव यू बोलना। आई लव यू। अरे यार, इतनी शांति से नहीं, थोड़ा फील करके बोलो। फील करके आए ना। एनर्जी के साथ। हाँ ऐसे ही। हाँ बोलो ना। बहुत ये, जल्दी बोलो ना। पद्दू, आई लव यू। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे समझ आया कि प्यार कितना सुंदर होता है। सॉरी। कोई नहीं। सॉरी भाई। एमएलए के भाई आए हैं, पापा तुमको बुला रहे हैं, चलो। मैं मदद करता हूँ पदु। पदु। नंदू। वो रही मेरे बेटे की होने वाली बीवी। ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे उसके साथ वो लड़का कौन है? ये पदू का बॉयफ्रेंड है। ये उसका बॉयफ्रेंड है? वक्त बदल गया है ना, वेस्टर्न कल्चर है। क्या बात है। नमस्ते बेटी। नमस्ते अंकल। ये भी कितना हैंडसम है ना। तू इधर आ, सुनिए, और तू उधर जा। कम ऑन सर। भाई साहब, एक काम करो, सीधा शादी करवा दो, बार बार आने से बच जाएंगे। सगाई होने के बाद शादी तक अगर इसका मन नहीं बदला, तभी तो शादी होगी। ये तो नेता बनने लायक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नंदू? तुम्हारे उस नमूने को छीलने की, मेरा मतलब है तुम्हारे होने वाले पति के लिए आम छील रहा हूँ। तुम इसका छिलका नहीं खा सकते? तुम्हारे दांत कमजोर हैं क्या? ना,
ये नहीं खा सकता। इंडियन फर्टिलाइजर्स, यहाँ का पॉल्यूशन सब हाइजीन खराब करते हैं। ये टिश्यू पेपर लो, ये वाली यूज करते हो ना? Hey, thanks. Economy size है ना? ये वाली साइज भी साफी करेगी। Very hygienic. What? अरे ये क्या हो गया? अरे राम मूर्ति जाकर बैंडेज लेकर आओ। तुम आम छील रहे थे ना? अपनी उंगली क्यों छील ली? बहुत दर्द हो रहा है क्या नंदू? तुम्हारे होठों के छूते ही सारा दर्द गायब हो गया। सच में? तुम्हारा दर्द कम हुआ ना? बॉयफ्रेंड के लिए इतना प्यार है, पति की उंगली कटेगी तो पता नहीं क्या होगा। उसका नेचर अच्छा है। अच्छा? हाँ। पद्दू पद्दू इसकी भी कट गई है। पद्दू। एक मिनट रुको। अरे बाप रे, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। एक मिनट रुको। हेलो डॉक्टर। हाँ अंकल, मैं बोल रही हूँ, आप कैसे हैं? आंटी, आंटी क्या कर रही हैं? ओह कद्दू की सब्जी, मुझे तो बहुत पसंद है अंकल। हाथ बताओ। अरे अंकल मैं तो भूल ही गई थी, किसी की उंगली कट गई है, मुझे क्या करना चाहिए? ओह इतना ही? What? हाँ ठीक है अंकल, ओके अंकल, बाय अंकल, बाय। टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी फिटकरी लगाकर ठीक हो जाएगा। क्या? नंदू चले यहाँ से। फिटकरी से ठीक हो जाएगा ना? अकेले में चल के खाएं। So sweet. तुम भी मेरी जान। सुनिए, आपकी उंगली कट गई है, मैं आपको खाना खिला दूं? फिटकरी सच्ची तो चावल है मेरे भाई। आज नंदू सर अपने बाबा को साथ लेकर आए हैं, मैंने पहचान लिया उनको। अच्छा? सही है ना? सेम टू सेम डिट्टो, फोटोकॉपी फेल है। नेगेटिव किसी और का है, प्रिंटिंग इसका हुआ। ये क्या है? छे, पहले पद्दू को अपने प्यार के बारे में बताना चाहिए था ना। जाहिर गुस्सा किया जाता है बाबा, प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं है। और मुझे तो सीता की चिंता है, बेचारी ने कब से सपने सजा के रखे थे कि इससे शादी करेगी, पर सब गड़बड़ हो गया। 25 साल पहले मैंने भी एक लड़की से प्यार किया था, अचानक बीच में कोई दूसरा आ गया और मेरा प्यार वहीं रह गया। पता नहीं तेरी किस्मत में भी यही लिखा है क्या। वो जमाना अलग था, आजकल के आशिक हार नहीं मानते, मैं भी नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, जीत तुम्हारे प्यार की होगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरा प्यार अगर सच्चा होगा ना तो अपने आप जीत जाएगा। पद्दू के बारे में क्या बताऊं, उसकी तो हर बात निराली है। वाह, पद्दू जैसी लड़की ना कभी। डॉक्टर कैसी हैं आप? आप तो आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे हाँ, आपकी वाइफ का अबॉर्शन हुआ था ना, अब कैसी है वो? ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी दोस्त थी, अब वो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। ठीक है मैं चलती हूँ। ओके रमेश, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो। नंदू, नंदू, पद्दू का अबॉर्शन भी हो चुका है क्या? पुरानी बातें छोड़ो ना यार। कैसे? अरे कैसे का क्या मतलब है, जैसे होता है वैसे ही हुआ। और किस पोजीशन में? अच्छी चीज, मेरा मतलब किस सिचुएशन में? बारिश का मौसम था, पद्दू के पास छतरी नहीं थी। अम्ब्रेला? छतरी मतलब छाता, बीच में टोकोगे तो सुनाऊंगा नहीं। पद्दू भीगी हुई घर आई, उस वक्त घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। तुम लोग अकेले थे? हाँ, हम एक दूसरे को रोक नहीं पाए। मुझसे तकरार, तुमसे प्यार। उसको अम्ब्रेला खरीदना चाहिए था। ये तो विधि का विधान था भाई, हम तो बस ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं। तुम्हें कैसे पता? फिल्मों में तो यही बोलते हैं ना। अब मैं और नहीं पी सकता। There's no privacy. मेरी मम्मी, तुम्हारी बहन और वो नंदू, ये सब मिलकर बहुत डिस्टर्ब करते हैं। क्या बात करनी है बताओ? Let me tell you one thing. तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है तो फिर ये नंदू तुम्हारी कमेंट्री क्यों करता है? I don't like it.
तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर इतना बुरा लग रहा है तो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? दीदी जैसी भोली और वर्जिन लड़की से शादी कर लो। उसके बारे में बात नहीं करनी। नंदू, डॉक्टर से बात करा था मैंने, सुना तुम्हारा अबॉर्शन हुआ। मैंने नहीं, अगर तुम्हारा अबॉर्शन नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ एक्सेप्ट करता। मैं कहां फंस गई? पादु, by now you should be knowing मैं कितना ब्रॉड माइंडेड हूं। ₹100 दे दो। ₹100? But why? नंदू भी ऐसे ही देता है इसे। अगर हम शीशे बंद करके बैठेंगे तो इसे लगेगा कि हम किस कर रहे हैं। हेल जिया। What did he mean by that? Why did he mean by that? It means तुमसे ज़्यादा मेरी जोड़ी नंदू के साथ अच्छी है। Mira, I can't take it anymore. Next Sunday, मतलब एक दिन बाद, हमारे engagement नहीं हो रही, शादी हो रही है, final. शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? कैसे? मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। अरे पदु, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? बात क्या है? कल सुबह मेरी शादी है। हाँ पता है मुझे। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारे सामने थोड़ी देर रो सकती हूँ? जब बचपन में रोती थी तो डैडी अक्सर कहते थे, मेरे सिर पे हाथ रख के कहते थे, मत रो, तेरी कामना पूरी होगी। रो मत पद्दू, तुम्हारी कामना जरूर पूरी होगी। आके रोने का मन किया। पद्दु, I'm sorry, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम गलत समझ रहे हो। No, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैंने सब देख लिया है। पद्दु, तुम फिजिकल रिलेशन में थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम किसी से इतना इमोशनली अटैच्ड हो, तो फिर I can't marry you. Please. Forgive me. Oh,
अरे आप, कोई बात नहीं सीता, तुम रो लो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सीता, I'm sorry, मैंने तुमको दुख पहुंचाया, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें मेरे सामने रोने का पूरा हक है। तुम रो लो सीता, तुम्हें रोना चाहिए, अपना दुख बांट लो, जिंदगी भर साथ जो रहना है। अच्छी लग रही है तो भगवान की दया से सब ठीक हो गया। एमएलए, लड़की का बाप बनकर आज तुम मेरे हाथों में फंस गए हो। अगर ऐसा है तो आज से मैं एक लड़की का बाप नहीं, तीन तीन लड़कियों का बाप हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं पूरे समुदाय की लड़कियों का बाप हूँ। हाँ हाँ, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। हाँ? लोग गलत समझेंगे, पंडित जी मंत्र पढ़ो। मुहूर्त का समय हो गया है, जल्दी से थाल बदल लीजिए। ये लो और इसे उठाओ। क्या सोच रही हो? हमारे बारे में। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? प्लीज बोलो ना, प्लीज प्लीज पद्दू बोलो ना। कल तुम केले के पत्ते खरीद कर लाए थे ना? हाँ। उसमें पूरे 24 रुपए का बैलेंस कम लग रहा है, बस वही चेक कर रही थी। हाँ। मुझे लगा था कि तुम कुछ और बोलने वाली हो। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलूंगी? इनकी हालत खराब होते जा रही है, ऑपरेशन के लिए डोनर नहीं मिला क्या? इसकी माँ को इतनी जल्दी थी कि 7 महीने में ही इसे पैदा कर दिया, तभी इसे हर बात की इतनी जल्दी रहती है। अब बस भी कीजिए, लीजिए कॉफी लीजिए। थैंक्स बेटी। देखो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर इसके सामने मत आया करो, इसका मन बदल गया तो बोलेगा कि अब तुमसे शादी करनी है। भगवान का शुक्र है कि सीता से शादी करने को तैयार हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक भी रानी नहीं आ रही मामा। रानी को तो अपना रोमियो ले गया होगा। साड़ी में आप ढिंचक लगती है। दोनों का क्या चल रहा है? भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस कंडीशन में, आपको बुलाए हैं। हाँ। कौन सा हॉस्पिटल? अरुकुमा हॉस्पिटल। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगली बार आप ही जीतेंगे। सही है ना? सही है। ठीक है, चल तू बुलाए। अरे क्या कहा था मैंने? तू आ गया नंदू भाई, अपनी आंखें और दिल डोनेट करेगा? वो तो तुम्हारे पास ही गिरवी है, ले लो। तेरे सीने में हिम्मत है, मैं जानता हूं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, यह मेरा बेटा भारत है, मां नहीं है, ये बाप भी नहीं रहेगा। ऐसा मत कहो। इसे मैं तेरे हवाले कर रहा हूं, इसे तेरी आंखों की जरूरत है। इसे अपनी नजरों से यह दुनिया दिखाना, इसे तेरे दिल की जरूरत है। इसे प्यार देके अपने पूरे दिल से दूसरों से हमेशा प्यार करना सिखाना नंदू, सही रास्ता दिखाना। इसीलिए मैंने तेरी आंखें और तेरा दिल मांगा था।
मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहो, आज से ये मेरा भी भाई है। तेरे दिल में ईश्वर है। कोई भी जानवर अपने जैसे देखने वाले से नहीं डरता है, तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों डरता है? तुम्हें डर लग रहा था कि पता नहीं वो मुझसे क्या मांग लेगा, लेकिन देखो पद्दू, जाते हुए भी वो कुछ देकर ही गया है। उसने मुझे एक छोटा भाई दिया। सबके लिए वो गुंडा था, पर मुझे उससे कभी डर नहीं लगा। पता है क्यों? विश्वास। इंसान पर मेरा विश्वास, इंसानियत पर मेरा विश्वास। वो दुश्मन जो हथियार से नहीं डरता, प्यार से जरूर हारता है। पंछियों के लिए दाना, गाय के लिए चारा और इंसानों के लिए मदद, अगर यही भाव हर इंसान के मन में हो तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी।